एक था खिलाड़ी थोड़ा अनाड़ी, एक थी हसीना उसकी दीवानी, ये है उनकी कहानी। ऊपर जाने की मुझे कोई जल्दी नहीं थी, आसमान में उड़ने का बहुत शौक था। इस शहर की ऊंचाइयों पर बैठकर हम दोनों एक ही सपना देखा करते थे कि एक दिन ऐसा बड़ा हाथ मारेंगे कि जिंदगी आराम से जी सके, ना पैसों की फिक्र ना परवाह। रोहित अच्छी तरह जानता था कि मैंने आज तक उसके बिना कोई काम नहीं किया, फिर भी इतने सालों बाद न जाने आज क्यों वो रिटायरमेंट की बात कर रहा था। मैं बोनस की बात कर रहा था, वो पेंशन की। टेंशन तो इस बात की थी कि उसका इरादा एकदम पक्का था। मैंने उसे बहुत समझाया। तू मेरी खातिर सुन तो ले। मेरी खातिर मैं तेरी कोई बात नहीं सुनूंगा, ओके? तुझे सुनना पड़ेगा, अरे क्योंकि 3 हफ्ते से मैंने इस आदमी पे नजर रखी है। सुन, वो अकाउंटेंट हर बुधवार ठीक 9:30 बजे बैंक आता है और कम से कम वो 1 या 1.5 लाख विड्रॉ करता है। देख अर्जुन यार, तेरा ये प्लान अच्छा है, मैं मानता हूँ तेरा प्लान अच्छा है, वो तेरा अकाउंटेंट बकरा भी तगड़ा है, लेकिन तू समझता क्यों नहीं है? मैं ये जिंदगी छोड़ देना चाहता। सच तो ये था कि ये जिंदगी मैं भी छोड़ देना चाहता था, मगर जेब में बचे आखिरी पैसों की हम बियर पी चुके थे। मॉर्निंग मिस्टर शाह। यस, मेरा नाम अली बेग है, फ्रॉम द रिजर्व बैंक। ये मेरे कॉलीग हैं रमेश मात्रे। प्लीज हैव अ सीट। हमें इन्फॉर्मेशन मिली आपका बैंक टेलर पैसे देते वक्त घोटाला कर रहा है। क्या क्या कह रहे हैं आप? मेरी बैंक? जी। इम्पॉसिबल, ये तो बिल्कुल मुमकिन है मिस्टर शाह, इट्स पॉसिबल। बट आपका अगला कस्टमर जब पैसे निकालेगा बिना शोर मचाए उसे अपने ऑफिस में बुलाएगा। बट देखिए मिस्टर शाह, प्लीज रिलैक्स। अगर आपके कस्टमर्स को ये पता चल गया कि आपके बैंक में घोटाला हो रहा है तो पैनिक मच जाएगी, एक और स्कैम होगा और आपकी नौकरी चली जाएगी। इसलिए हमारा आपसे मशवरा है, अपनी खातिर बी काम, शांत रहिए। ऑलराइट? ओके। कुछ लेंगे आप? कॉफी? चाय?
एक्सक्यूज मी सर, आपको मैनेजर साहब ने बुलाया। क्या बात है सर? आइए, मेरा नाम अली बेग है फ्रॉम द रिजर्व बैंक, ये मेरे कॉलीग हैं रमेश मात्रे। आपने अभी कितने पैसे विड्रॉ किए हैं? 3 लाख। आई एम सॉरी लेकिन हमें ये नोट गिनने पड़ेंगे। क्यों? हमें रिपोर्ट मिली है कि हमारा टेलर कम पैसे दे रहा है। क्या मतलब है आपका? मतलब ये है कि हमें ये नोट गिनने पड़ेंगे। प्लीज हैंड ओवर द मनी। अपना बैच दिखाइए। लगता है फिल्में बहुत देखता है। रिजर्व बैंक। थैंक यू। जी हाँ साहब, अपना नाम बताइए। राकेश गुप्ता फ्रॉम गुप्ता एंड सन्स। ऑफिस एड्रेस? गुप्ता एंड सन्स, मित्तल चैम्बर्स, 907 नरिमन पॉइंट। कितने साल से काम करते हैं? 4 साल से। आपके साथ कितने लोग हैं? यही कोई 60 से 70। 60 या 70? 70। उनके नाम बताइए। क्या? रिलैक्स, आई एम जस्ट जोकिंग, ऑलराइट? आपके घर में कितने लोग हैं? 5। सारे के सारे इनकम टैक्स भरते हैं? जी हाँ। उनका पैन नंबर दीजिए। क्यों? हमारा शक सही निकला, इसमें 7 नोट कम है। सो वी वर राइट मिस्टर शाह। आई एम सॉरी लेकिन मिस्टर गुप्ता, आपका ये पैसा हमें पता और प्रूफ के जब्त करना पड़ेगा। आप यहाँ साइन कीजिए और आप यहाँ साइन कीजिए। क्यों? अगर आपको ये पैसा वापस चाहिए तो साइन कीजिए मिस्टर गुप्ता। अगर आपके बैंक में प्रॉब्लम है तो आप कस्टमर को क्यों परेशान कर रहे हैं? देखिए आई एम वेरी वेरी सॉरी मिस्टर गुप्ता, इसमें इनकी कोई गलती नहीं, दिस इज जस्ट प्रोटोकॉल। और आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए, आपका पैसा कहीं नहीं जा रहा, शाम को आके रिजर्व बैंक से ले जाइएगा। नाउ प्लीज साइन। और मिस्टर गुप्ता आपसे रिक्वेस्ट है, आप इस बारे में किसी से कुछ कहिएगा मत, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया आपकी आभारी होगी। वी कैन नॉट अफोर्ड अनदर स्कैम। आप उस टेलर पर ध्यान रखिएगा, हमारे दूसरे ऑफिसर्स बैकडोर से आके उसे चुपचाप ले जाएंगे, आपके कस्टमर्स को कोई इनकन्वीनियंस नहीं होगा। थैंक यू फॉर योर कोऑपरेशन। थैंक यू, हैव अ नाइस डे मिस्टर शाह। यू टू। एक लाख का सोचा था, पूरे 3 लाख का हाथ मारा है। सभी कैसे हुआ, कैसे हुआ जाने नहीं कोई यहाँ, जो भी हुआ कैसे किया क्या किया, आज ये दिन तो है तेरा, कल क्या हो कोई जाने ना जाने ना 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 यारो, ना फिकर ना परवाह यारो, that's the way we are यारो, ना फिकर ना परवाह। ऐसे पेड़ पे नहीं उगते मेरे भाई, तभी तो मेरी नजर दूसरों की जेबों पर है। अबे पकड़ा जाएगा, जेल जाएगा, मेरी भी लगाएगा। पांडु अपना दोस्त है, रात दिन खिलाएगा। अबे ओए क्या अंग्रेजी जान रहा है? अंग्रेज चले गए, इनको छोड़ गए। ओए लॉर्ड कजिन की औलाद, अरे छोड़, इनका कुछ नहीं होगा। मनो तेरा हुआ कैसे जिए कोई यहाँ, मान के दुनिया के कायदे, ऐसे रहो वैसे रहो, नहीं नहीं ये ना करो वो ना करो, कहे सभी देखो यहाँ देख के अपने ही फायदे।
आ गए खून चूसने के लिए। सलाम साहब। क्या हुआ डिसूजा साहब? क्या हुआ पूछता है? क्या हुआ इतनी रात को शराब पीकर लड़खड़ा रहे और पूछते हो क्या हुआ है? अरे यार डिसूजा साहब, महीना अभी तक खत्म नहीं हुआ, फिर आज क्या हो गया? क्या हुआ? आज सुबह बैंक में 3 पेटी का घोटाला करके 2 सयाने हवा में गायब हो गए। अच्छा हाँ, सुना नहीं तुमने? मिड डे में कुछ पड़ा था। अबे तुझसे पूछा क्या, तुझसे पूछा क्या? अरे डिसूजा साहब, क्यों बीच रात में दिमाग का दही कर रहे हो यार? तेरी बस यही प्रॉब्लम है, तू समझता नहीं है, रिस्पेक्ट करना भूल गया। हमने कभी कहा है कि तू अपना पेट मत भर? बस हमारी रिस्पेक्ट करना मत छोड़, ला कटन काल फटाफट। कुछ बचा नहीं। अबे तुझसे पूछा क्या? ए शर्मा, तू क्या बात बात में मारता है बेचारे को यार। रिलैक्स, ये ओके? हाँ यार हम ओके। चल काल फटाफट, चल निकाल निकाल। ये लो 20,000, बस इतने ही बचे। तू तो समझता है ना, रिस्पेक्ट का मामला है, और लॉ का तो रिस्पेक्ट करना ही पड़ता है। लॉ का रिस्पेक्ट किया करो, लाइक ए लॉ अबाइडिंग सिटीजन। एंजॉय। बाय बाय। हाँ लो, चलो मुझको एंजॉय करने दो। अगर ये एंजॉय करेंगे तो ले गए सब कुछ। क्या रून रहा है? पैसे तेरा कट। पैसे खत्म। अरे यार मेरे पैसे तेरे पैसे, चल एंजॉय। चल एक और बड़ा हार, बस लाइफ सेट हो जाएगी अपनी। मेरे बाप, तू कितना भी बड़ा हाथ क्यों ना मार ले, तेरे लिए कभी काफी नहीं होगा। हाँ। देख अर्जुन, मेरी एक बात सुन यार। क्या? यार बड़े और छोटे का कोई डेफिनेशन नहीं होता। मतलब कभी कभी इतना छोटा भी बड़ा लगता है, और कभी कभी इतना बड़ा भी छोटा बन जाता है। तू अभी तू हंस क्यों रहा है? ये बात किसी लड़की को कभी मत बोलना, जूते मारेगी। छी छी छी, इतनी डीप बात बोल रहा हूँ तेरे को, मजाक सुन रहा है तू भी ना यार। बहुत बदमाश, बहुत बदमाश। ए अर्जुन यार, मेरा रेडबुल खत्म हो गया, अब क्या करेंगे? मैं हूं ना। अबे इस बात का तो डर है इडियट। ठीक है, क्योंकि मैं तेरे से छोटा हूँ, मैं जाके लाता हूँ। ओके। नहीं नहीं, यही ठीक है। हाँ। कभी नहीं सुधरेगा, कभी नहीं सुधरेगा। Excuse me. Rohit! क्या? अर्जुन क्या हो? अर्जुन सुन, वो जो सुबह तुम लोगों ने घोटाला किया था ना बैंक में 3 लाख रुपए का, और जिसको बकरा बनाया था वो अकाउंटेंट, मालूम है किसका आदमी था? सिकंदर का। तू निकल दोस्त, इसका अंतिम संस्कार हम लोग करा लेंगे, देख पुलिस आती होगी, प्लीज तू निकल, जल्दी कर। सॉरी रोहित की बोली हर बात मुझे याद थी, हमारे सारे शौक और सपने उसकी मौत के साथ खत्म हो गए। जिंदगी में अब पैसों की कोई अहमियत नहीं थी, मैं वो धंधा और शहर दोनों हमेशा के लिए छोड़ आया था। रोहित ने एक बहुत सही बात कही थी कि बुरा वक्त और पुराने पाप इंसान को हमेशा ढूंढ ही लेते हैं। हेलो,
मेरा नाम कैफ है। काफी सुना है तेरे बारे में, बहुत घुमाया हम लोगों को। सिकंदर ने कल सुबह 9 बजे बुलाया तेरे को, टाइम पे पहुंच जाना। लोग कहते हैं सिकंदर वो इंसान है जो कभी मर नहीं सकता। बचपन में उसके फादर ने मिल स्ट्राइक से परेशान होकर अपने आप को और अपने पूरे खानदान को जहर दे दिया था। सब मर गए पर सिकंदर 10 दिन तक अस्पताल में अपनी मौत से लड़ता रहा और जिंदा बाहर आया। 10 साल की उम्र में वो जिस बार में नौकरी कर रहा था, 20 साल की उम्र में उस बार का मालिक था। उसकी बेटी से शादी करके 1 हफ्ते बाद उसका ससुर मर गया। लोग कहते हैं सिकंदर ने उसको जहर देके मारा था। 3 साल के बाद सिकंदर 25 बार्स का मालिक बन गया। जब बाकी के मुंबई डॉन्स को उससे खतरा हुआ तो उन्होंने सिकंदर की बीवी और बच्चे को किडनैप कर लिया। सिकंदर ने अपने सारे बार्स बेच डाले, अपनी बीवी और बच्चे को छुड़ाया, घर लेकर आया और उनको जहर देके मार डाला। आज सिकंदर की कोई कमजोरी नहीं, 300 बार्स का मालिक है। ये जो खान ब्रदर्स हैं जिन्होंने इस पे गोली चलाई थी अटैक करके, वो गोली आज तक उसकी पीठ में पेस मेकर लगा के घूमता है, मगर मरा नहीं, जिंदा है। और सुनने में आया कि ये जो खान ब्रदर्स हैं उनको जहर दे के इसने उस चौपाटी के पानी में सुला डाला, और ये जो गणपत है उसको भी जहर दे के वहीं दफना डाला जमीन में। अब वहां पे उसने एक नया बार खोला है, सिन सिटी। तुम्हारा पॉइंट क्या है? कुछ नहीं यार, मेरा पॉइंट ये है कि उसने तेरे को नाश्ते बुलाया तो कुछ खाना पीना मत, और क्या। ओए ड्रामा कंपनी, तुम लोग रुको, अर्जुन चल। कैफ ने बताया मुझसे मिलना चाहते हैं। सोचा मेरे पैसे जो तुम्हारे पास हैं पता लगा लूं ठीक ठाक हैं। कौन से पैसे? तुम किससे डरते हो? भगवान से। भगवान तुम्हारे लिए क्या है? ताकत, टोटल एंड कंप्लीट पावर। तुम दूसरे इंसान हो जिसका यही जवाब है। क्यों, पहले वाला मर गया क्या? पहले वाला मैं हूं। मेरे लिए भी भगवान वही है जिसमें कंप्लीट एंड टोटल पावर है। आई लाइक दैट। क्या तुम्हारी आंखों में मेरे लिए डर है जो गलत नहीं है? बाय द वे, जानना चाहते हो जिस अकाउंटेंट को तुमने बेवकूफ बनाया उसका क्या हश्र हुआ? जीसस क्राइस्ट,
तुम अपने धंधे में लोगों के इमोशन से उन्हें बेवकूफ बनाते हो। मेरा बिजनेस भी इमोशंस का है। इमोशन ऑफ फियर। जानते हो लोग सिकंदर से क्यों डरते हैं? क्योंकि सिकंदर को कोई मार नहीं सकता। दुनिया में 61 किस्म के जहर होते हैं जिसमें 60 का मेरे ऊपर कोई असर नहीं होता। देखो सिकंदर, अगर मुझे पता होता वो अकाउंटेंट तुम्हारा आदमी है तो मैं कभी उसे। तुम्हारे दोस्त ने भी यही कहा था। उस वक्त मैं बहुत गुस्से में था। टू बैड। मुझे तुम्हारी बात पर विश्वास है। मुझे मेरे पैसे दे दो एंड यू कैन गो फ्रॉम देयर। तुम्हारे पैसे मेरे पास नहीं है। Then we have a problem. मैंने सुना है उसने गणपत को यहां लाकर उसे उल्टा लटका कर उसके ऊपर लाल चीटियां छोड़ी। तो पैसे कहां गए? उधार थे, चुका दिया। उधार चुका दिया। तो मैं चलूं? अर्जुन, तुमसे मिलकर बहुत अच्छा लगा। बात पैसे की नहीं है, बात प्रिंसिपल की है। आज अगर तुम्हें माफ कर दूंगा तो कल कोई और मेरे पैसे चुराएगा। 10 दिन के अंदर अंदर तुम मुझे 4 लाख रुपए ला कर दोगे। 4 1 लाख इंटरेस्ट, और तब तक कैफ तुम्हारे साथ साये की तरह से रहेगा। और अगर 10 दिन में तुम पैसे नहीं ला सके तो अपने दोस्त को ऊपर फोन करके कहना कि तुम आ रहे हो। बाय कैफ। चूस। क्या अर्जुन, सब ठीक है ना? या ऑल इंटैक्ट। बच्चे तो होंगे ना? मौत का दूध भेजा है। क्या बोलता है भिड़ू लोग? अभी साथ में रहने का, खूब मस्ती करेंगे। इनसे मिलो कैफ। हेलो भाटिया। हेलो जैक। डॉक्टर, डॉक्टर, आई मीन बिग ट्रबल, प्लीज आप मेरी मदद कीजिए। माय लाइफ इज टोटली टॉपसी टर्वी, प्लीज हेल्प मी आउट। आप यहां प्लीज बैठ जाइए। यस, आई विल सिट। डॉक्टर, मुझे बहुत प्रॉब्लम है, आप प्लीज मेरी मदद कीजिए। आपका नाम? सनी, सनी दस्तू। डॉक्टर, यू हैव टू प्लीज हेल्प मी आउट। दरअसल डॉक्टर, मैं हर वक्त सोते जागते हमेशा बेट लगाते रहता हूँ। अगर मेरी जेब में 1 रुपया भी होगा ना तो भी मैं बेट लगा देता हूँ। आपको मालूम नहीं है, मेरी बीवी यही बीमारी की वजह से मुझे छोड़ के चली गई है। मेरा दिखरा दिखरी मेरा मूड देखना नहीं चाहते। प्लीज डॉक्टर, ट्राई टू अंडरस्टैंड। कल रात डॉक्टर साहब, आप प्लीज मुझे 1 गोली दे दो कि मेरी ये जुए की बीमारी एकदम दूर हो जाए। देखिए, ऐसी कोई गोली बनी नहीं है। हम बातें करेंगे, आपकी प्रॉब्लम की जड़ तक जाएंगे, उसे सॉल्व करेंगे। ऐसी कोई गोली नहीं है? नहीं। कोई इंजेक्शन नहीं है? जी नहीं। तो आप कैसे दिमाग की डॉक्टर है? सिर्फ बोल बच्चन, मंजन करने का और मरीज का जेब खाली करने का। कल रात मैंने जुए में 50,000 उधार कर दिया, पूरे 50,000। मेरे पास फूटी कौड़ी नहीं है। डॉक्टर, यू हैव टू प्लीज हेल्प मी आउट। आई डोंट हैव एनी मनी और वो मेरे पीछे पड़ गया है। आई डोंट नो, ही विल किल मी। वो मुझे छोड़ेगा नहीं। यहाँ कुछ नहीं हो सकता, कुछ नहीं हो सकता, कोई मेरी मदद नहीं कर सकता। इससे बेहतर तो मैं अपने आप को होल्ड ऑन पार दूंगा। वेट, आप बैठ जाइए। दस्तूर, आप प्लीज बैठिए। रिलैक्स, सिट डाउन, पुट द गन डाउन, नीचे रखिए, ये लीजिए, पानी पीजिए। देखिए, अगर मैं आपके लिए कुछ नहीं कर पाई तब आप इसे यूज कर लेना। ओके, आई
want to die. Put the gun down. It's okay. It's okay. उनका नाम और पता लिखिए इधर. क्यों? आप उसको? जी नहीं. आप उसका नाम और पता लिख कर दीजिए. Yo, feel the music, the sound of the tumbi playing. Feel the rhythm, get into the groove. Let's go! मुझे अर्जुन से मिलना है. बताओ मैं तुम्हारे लिए क्या कर सकता हूँ. मैं हूँ नताशा. सनी दस्तूर नाम का आदमी कल शाम आपके साथ पोकर खेलते हुए 50,000 हारा था. सनी दस्तूर? करेक्ट, सनी दस्तूर, यस. उस 50,000 उधार के लिए उसने कल रात अपनी जान लेने की कोशिश की और मुझे नहीं लगता कि इतने से पैसों के लिए आप किसी की मौत का कारण बनना चाहेंगे. अगर आप कहती हैं तो मान लेता हूँ. Are you happy? जी नहीं. मुझे खुशी तब होगी जब आप उस कागज पर साइन करके वो मुझे दे देंगे. Well, उसके लिए आपको मेरा एक काम करना होगा. Excuse me, what the hell do you mean? मैं कोई मदर टेरेसा नहीं हूँ, एक डॉक्टर हूँ और यहाँ पर अपने पेशेंट के लिए आई हूँ. तुम गुस्सा बहुत बहुत जल्दी हो जाती हो. काम तो सुन लीजिए. इट्स नथिंग, ट्रस्ट मी. रियली? तो क्या काम है? अंदर एक पोकर का गेम चल रहा है. एक आदमी सारी शाम से जीत रहा है. मैं चाहता हूँ आप मेरे साथ अंदर आए, मेरी गर्लफ्रेंड बनकर, और मुझे उसका दिमाग पढ़ने में मदद करें. दैट्स इम्पॉसिबल. कोई किसी का दिमाग नहीं पढ़ सकता. गो अहेड, किसी भी हाथ में रखिए. That's funny. ये कैसे किया तुमने? मैं लोगों का दिमाग पढ़ सकता हूँ. That's impossible. मैं साइकाइट्रिस्ट हूँ. कोई किसी का दिमाग नहीं पढ़ सकता. How did you do that? तुम जिस भी हाथ में सिक्का रखती हो, तुम्हारी नाक जरा सी उस तरफ इशारा करती है. वो आदमी जो अंदर जीत रहा है, खेलते हुए जब भी वो ब्लफ करता है, वो अपनी अंगूठी से खेलता है. पर अब उसको पता चल गया है कि मैं उसकी आदत के बारे में समझ गया हूँ. तब से उसने अपनी अंगूठी के साथ खेलना बंद कर दिया है. Are you serious? हर एक मिनट एक बकरा पैदा होता है और दो उसको हलाल करने के लिए. Shall we? प्लान क्या है? प्लान तो हमेशा जीतने का है, बाकी भगवान की मर्जी. प्लीज गाइस, दिस इज नताशा. हाय जैक भाटिया. कैफ. हेलो. हेलो. मैं स्टॉक्स में डील करता हूँ. और ये है जी सिंह. ये जी मतलब बस हो गया. कैफ आराम से. जैक तू इस बार अच्छे पते बाढ़ना. यार ये तो लगता है कि फ्रेश गड्डी मंगानी पड़ेगी. क्या बोलता है अर्जुन? ये गेम बहुत गर्म हो रहा है. मैं जरा फ्रेश होकर आता हूँ. ओके. यू बी ओके राइट? यस श्योर.
एक्सक्यूज मी जेंटलमैन। हाँ तो क्या बोल रहा है बता। ठहर पूछता नहीं, पूछता क्या हुआ? तू इतना मुंह फुला के क्यों बैठा है यार, क्या हुआ बता? कुछ नहीं यार, थोड़ा स्माइल वाइल कर दे यार, हैं? थोड़ा सा हंस दे, थोड़ा सा हंस दे, ज्यादा नहीं। हाँ ये जो इसका स्माइल है ना, इसी पे लड़कियां मरती हैं, लेकिन ये सिगार बहुत पीता है। एक तो खतरनाक शक्ल, उभर से हाथ में सिगार, मतलब छोड़ना बाटिया, इतना बात को घुमा फिरा के बोल रहा है तू। और क्यों भाई जैक, हैं पर्सनल खुन्नस निकाल रहा मेरे पे ऐसे काट बाट के? ये तो मैं सीटी बीटी गुम कर दूंगा साले। क्या बकवास पत्ते हैं यार जैक, मैं तो पैक कर रहा हूँ। मैं भी पैक कर रहा हूँ यार, तुम्हें को बाद में मिलूं। जैक तुम्हें क्या लगता है? मुझे लगता है हम जीतेंगे। वो नॉट बैड, योर टर्न जी सिंह। नॉट बैड एट ऑल। मेरे चिप्स खत्म हो गए हैं, ये है 10-25 कम है। ओके, अगर हारोगे तो फिर फौरन पैसे चाहिए। मिल जाएंगे। थ्री किंग्स। तीन इक्के। सिटी वाले को बोलना जैक लगा दी उसने। क्या बोलूं यार, गाली भी नहीं बक सकता, औरत बैठी। तेरे को क्या लगा? शाना सिर्फ तू है। मैं अलीबाग से आया। अबे तेरे जैसे शाने हैं ना, हर गली में बैठकर पत्ते खेलते हैं। लड़की को पीछे छोड़ा देखने के लिए कि मैं अंगूठी घुमाता है कि नहीं। चल चल, अपन को सब मालूम है, सब मालूम है। पैसे निकाल। मैं अभी पैसे लेकर आता हूं। नीचे बैठ, नीचे बैठ। ए नीचे बैठ। हेलो हेलो हेलो, ये बंदों को आराम से। हाँ हाँ, ऐसे नहीं तो ऐसे ही सही। गन नीचे रख, गन नीचे रख। पैसे निकाल। मुझे कैसे मालूम तू चीट नहीं कर रहा? मैं चीट कर रहा हूँ? तेरी तो एक सेकेंड, ये गन तो 2 सेकंड के बाद भी चला सकता, समझा ना? है हमारे पैसे खत्म हो गए यार, अब वो पैसे लेने के लिए जा रहा है, तेरे को प्रॉब्लम क्या है? गर्मी क्यों खा रहा है तू? क्या प्रॉब्लम है? तेरे से बात की मैंने? नहीं तो नीचे बैठना। हाँ तो बैठ जाता हूँ। और तू पैसे दे। चेक चलेगा क्या? हाँ अर्जुन, इस मुसीबत में तुम सिर्फ मेरी वजह से हो। पैसे तुम मुझे बाद में दे देना, लेकिन इस वक्त इस मुसीबत से निकलो। नहीं नताशा। नताशा क्या है? नताशा क्या चिकने? तेरे मुंह पे गोली मारेगा ना, तेरे को क्या शॉर्ट कार्ड का एक्टिंग के लिए बुलाएंगे? अपन कार्ड का एक्टिंग के लिए बुलाएंगे। मॉडलिंग? हाँ अबे यार, एड्स में मॉडलिंग करते हैं, एक्टिंग नहीं करते, समझा ना? वो एक्टिंग फिल्मों में करते हैं, तो तू नहीं समझेगा, कोई बात नहीं। तू कर जो तू कर रहा था, कर कर कर। सेल्फ चेक। अबे ते पानी फेर दिया ना प्लांट पे। क्या हुआ यार? तू भी बॉस यार, आई एम मेरे से गलती हो गई, पर मैं क्या करूं यार। मैंने कैब से बंदूक देने के लिए कहा तो यार इस कैब ने मुझे नकली बंदूक दे दी यार। तो बकरा ये नहीं था। इतना सिंपल सा प्लान था यार। लड़की को यहाँ पर लेकर आना है, बंदूक दिखानी है अर्जुन को, और पैसा लेकर जाना है। तू ये वाटर पिस्टल लेके क्या कर रहा था, मुझे समझ में नहीं आ रहा। आई एम सॉरी यार, आई एम रियली सॉरी। क्रिएटिविटी है ना, नो प्रॉब्लम। दिखा दिया, हर सेकंड एक बकरा पैदा होता है, राइट? और दो से हलाल करने के लिए। करेक्ट। वेरी 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 स्मार्ट। हेलो स्मार्ट मैन, तू यहीं बैठ, हम लोग आते हैं। तू बैठ यहाँ पे, हम लोग आते हैं। यस, मेरे पैसे लौटा। यस यस प्लीज, ये भी ले जाओ। ले जाओ ले जाओ। तो ये आप लोगों का हर रोज का काम है? चोरी से तो अच्छा ही है। मतलब हमारे धंधे में कोई जबरदस्ती नहीं करता, सामने वाला आदमी अपनी इच्छा से हमें पैसा देता है। या शो, आई एम सीरियस। नेता फील गुड फैक्टर से वोट इकट्ठा करता है, हम तो बस कॉन मैन है। इसकी बात का यकीन कीजिए, 14 साल की उम्र से यही कर रहा। मुझे समझने के लिए वक्त की जरूरत है। ये आपके लिए सुविधा, और अब जाने के बाद प्लीज पुलिस के पास मत जाना। मैं नहीं जाऊंगी। बाय द वे, तुमने मेरा काम नहीं किया अभी तक। ओह सॉरी जैक, थैंक यू। सनी दस्तूर, उधार माफ, एज प्रॉमिस्ड। थैंक यू, इट वाज नाइस मीटिंग यू ऑल।
मैं शर्त लगा सकता हूँ बहुत जल्द मिलने वाले हैं। तुम इतना श्योर हो के कैसे कह सकते हो? तुम भूल गए, मैं दिमाग पढ़ सकता हूँ। चलो। ये औरत नाम की चीज है ना, मुसीबत है दोस्त। ओह नो। मुसीबत। एक तरफ खाई, दूसरी तरफ कुआं। मुझे बचपन से ही मुसीबत पालने का शौक था। एक मुसीबत से छूटा नहीं कि दूसरी आ गई। सो गुड बाय सिकंदर, हेलो नताशा। मैडम, कैन आई टेक योर ऑर्डर? वन रेड बुल प्लीज। मैंने तो सिर्फ हाय हाय। तो क्या मैं सही था या गलत? तुम सही थे। वो तो मैं भी कहता हूँ। मैंने तुम्हारे बारे में कल रात भर बहुत सोचा। तो फोन करना था, मैं आ जाता। ओह प्लीज। तुम्हारे और तुम्हारे काम के बारे में बहुत सोचा। मेरे बारे में क्या सोचा? शट अप। एक्चुअली मैं तुम पर एक रिसर्च पेपर तैयार करना चाहती हूँ, क्योंकि तुम्हारे काम में तुम दूसरे लोगों के दिमाग से खेलते हो। तुम्हें मुझ पर रिसर्च करना है, लेकिन अभी तक तुमने अपने बारे में कुछ नहीं बताया। वक्त आने पर सब बताऊंगी। तो क्या तुम अपने काम के बारे में मुझे बताओगे? अरे क्यों नहीं बताएंगे, हम दोनों तो प्रोफेशनल हैं। पर ये कहीं पकड़ी गई तो मैं लेता हूं इसकी जिम्मेदारी। मेरे को ये देखना है तो क्या करता है। लेट्स गो। कम ऑन। कायदा कानून सब किताबी बातें हैं। बकरे को अंदर करना है तो बस एक ही तरीका है, भरोसा। हमारा सारा धंधा भरोसे का है, लेकिन इस काम में हम किसी से कभी कुछ नहीं लेते, पर अपने निशाने को तब तक ताने रहते हैं जब तक वो खुद हमें अपनी इच्छा से माल नहीं देता। जैसे मैंने कहा था, द फील गुड फैक्टर इस धंधे का राज है। अब तुम देखती जाओ क्या होता है। लेट्स गो। मैं अभी आता हूं, तुम यहीं रुको। एंड कीप स्माइलिंग। हाय। गुड इवनिंग सर। Did you see that girl over there? Yeah. वो मेरी girlfriend है और मैं उसे अभी propose करने वाला हूँ। So sweet. So show me the best ring you have. This is our most famous design, sir. आप cost की चिंता मत कीजिए। Can I see something else? This? See? Do you have anything else that's not on display? मेरे बेटे की marriage anniversary है। अच्छी तरह pack कीजिएगा। This? Uncle? Hi uncle. मैं अरुण। अरुण? अंकल अरुण कॉलेज। अरुण अंकल। विक्रम। यस यस। हाउ इज विक्रम? कॉलेज के बाद वी बीन टोटली आउट ऑफ टच। आजकल वो है कहाँ? विक्रम की तो शादी हो गई। रियली? उसका एक बेटा भी है। वाओ। आजकल स्टेट्स में है। वाओ, दैट्स ग्रेट न्यूज। लेकिन अब यहाँ क्या कर रहे हैं आप? आपको तो उनके साथ गया था 3 साल पहले, गया था लेकिन वहां मन नहीं लगा। नो no? यहाँ कंपनी भी है। एनीवे आई कांट टेल यू अंकल, आपसे मिलकर कितना अच्छा लगा। वो रजनी मेरी गर्लफ्रेंड है और मैं अभी उसको प्रपोज करने वाला हूँ। रियली? इनफैक्ट अंकल आप मेरी मदद कर सकते हैं। मैं? इफ यू डोंट माइंड दैट इज। हाउ? प्लीज हेल्प मी सेलेक्ट रिंग, इट विल बी एन ऑनर फॉर मी। ओके ओके, इट विल बी माय प्लेजर। थैंक्स। आजकल क्या कर रहे हो? मैं बेंगलोर में सॉफ्टवेयर इंजीनियर हूँ और होपफुली जब यहाँ से जाऊंगा तो शादी की राह पर हूँगा। ये कैसी है? बेटा ये रजनी थोड़ी डेलिकेट सी है, मेरे ख्याल से उसके लिए ये बेटर होगी। आई थिंक यू आर राइट। फैंटास्टिक। प्लीज पैक दिस। हाउ मच? 25,000। या चेक किसके नाम पर बनेगा? I'm sorry sir, हम लोग चेक एक्सेप्ट नहीं करते हैं। मैम, I'm sure ये आपकी पॉलिसी है, लेकिन इस वक्त मेरे क्रेडिट कार्ड होटल में हैं। ये बहुत ही स्पॉन्टेनियस डिसीजन था, and I'm sure इस बार आप एक्सेप्ट कर सकती हैं। I'm sorry sir, but
मैम, do you have a boyfriend? Yeah. Yeah? फिर आप इस मोमेंट को समझिए, फिर कभी नहीं आएगा. Please. I understand, sir, but I'm sorry. एक मिनट, आप एक काम कीजिए, इनका बिल मेरे क्रेडिट कार्ड में डाल दीजिए. अरे देखिए वो नहीं अंकल, नहीं, ये आप क्या कर रहे हैं? नहीं, कम ऑन, तुम मेरे नाम का चेक बना देना, और फिर मैं विक्रम के दोस्त के लिए इतना तो कर सकता. अब मेरी भी लव मैरिज हुई थी. रिलैक्स, कम ऑन. थैंक यू अंकल, मैं आपका शुक्रिया कैसे कर सकता हूँ? मत करो, जस्ट गो एंड प्रपोज. थैंक यू. रजनी, पैर छू, आशीर्वाद लो अंकल से. बस, थैंक यू सर. अच्छा अरुण बेटा, अगली बार मुंबई आना तो जरूर मिलना. डेफिनेटली अंकल, थैंक यू, ऑल द बेस्ट. नमस्ते. हाउ स्वीट. हेलो. प्रपोज अभी करूं या बाद में? अभी. अर्जुन, मुझे यकीन ही नहीं हो रहा है कि उस आदमी ने तुम्हें बिना जाने ही पैसे दे दिए. कुछ समझ में नहीं आ रहा साला. क्यों, मजा नहीं आया क्या? तूने जो भरोसे का लेक्चर दिया था ना, एक बात भूल गया दोस्त. क्या? थोबड़ा. अब इनके जैसा कोई हैंडसम चेहरा हो तो लोग भरोसा करेंगे. हम जैसे लोगों को तो बस. क्यों, क्या हुआ यार? अरे वो बूढ़ा साला. ने प्यार से हेलो, हाँ देखा, हेलो, दिल से निकली बात. खुन्नस देके चला गया साला. इमोशन, हर आदमी की इमोशनल कमजोरी होती है, बस सही बटन दबाना पड़ता है. का मतलब गलत बटन दब गया? मुझे भी करना है. क्या? मुझे भी किसी को बकरा बनाना है. नताशा, ये कोई एमटीवी का प्रोग्राम नहीं है. यहाँ तुम किसी के साथ मजाक नहीं कर रही हो. पकड़ी जाओगी तो सीधे 5-6 साल के लिए अंदर. अर्जुन, आई एम सीरियस. मुझे भी अकेले ऐसा एक काम करना है. फर्स्ट हैंड समझना है. और अगर कोई गड़बड़ हो गई तो ये बताएंगे एमटीवी बकरा शो है. मैडम, आपके खानदान में पहले कोई इस धंधे में था? नहीं तो? नहीं, तुम एक्सपीरियंस खिलाड़ी की तरह बात कर रही हो. अर्जुन, आई एम सीरियस. नताशा, मैं तुम्हारे लिए रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं ले सकता. ठीक है यार, मैं ले लेता हूँ रिस्पॉन्सिबिलिटी. तू? हाँ, मार दूंगा गोली. और क्या? क्या पागल हो गया क्या? एक ही तो काम आता है दोस्त, मार दूंगा मैं गोली. और क्या? प्लीज अर्जुन. हाँ चलो, लॉटरी टिकट लेते हैं. कोई सा भी टिकट लो, पर ऐसा लेना कि उसका आखिरी नंबर 2 हो. गॉट इट. पर क्यों? क्योंकि ज्यादातर विनिंग लॉटरी टिकट्स का नंबर 2 से खत्म होता है. चार्ट पर चेक कर लो कल का विनिंग नंबर क्या था. ये रहा ना, 1, 2, 4, 6, 5, 2. इसमें एक नंबर ज्यादा है, वरना ये टिकट जीतेगा. कम ऑन, तुम जानबूझकर मजाक कर रहे हो. डार्लिंग, मैं अपने काम के बारे में कभी मजाक नहीं करता. हम दोनों का टेम्परामेंट एक जैसा है काम के मामले में, एकदम सीरियस है ना. ऐसा टिकट लेकर जाऊंगी ना तो लॉटरी टिकट के ऑफिस में मुझे पकड़ लेंगे. अर्जुन, पूरे ऑफिस को उड़ाना पड़ेगा यार. कोई लॉटरी टिकट ऑफिस नहीं जा रहा. अब मेरी बात गौर से सुनो. इस काम के लिए तुम्हें एक ऐसा शिकार चाहिए जो किस्मत में विश्वास रखता हो, जो गिन गिन कर पैसा खर्च करता हो. वो है तुम्हारा शिकार. एक्सक्यूज मी आंटी. हाय, एक्चुअली इट्स वेरी कंफ्यूजिंग. ये दोनों ही पके हुए लग रहे हैं बट मेरे लिए कंफ्यूजिंग है. इफ यू कैन प्लीज हेल्प मी. मेरी अभी अभी शादी हुई है, दिल्ली से आई हूँ. एक्चुअली ये बेटर ऑप्शन है. तो तुम्हारी शादी को कितना टाइम हुआ है? हाँ, सिर्फ 2 महीने हुए हैं. अभी अभी घर संभालना सीख रही हूँ. और उनके पेरेंट्स? एक्चुअली वो दोनों बचपन में ही एक एक्सीडेंट में. ओह, आई एम सो सॉरी. आपसे मिलकर बहुत अच्छा लगा आंटी. सेम हियर बेटा.
जब से मेरी डॉली की शादी हुई है ना, तब से हम दोनों अकेले ही रह गए। कभी आओ ना घर हमारे। हाँ जी, कहाँ रहते आंटी? यही धीरज टावर में। अरे व्हाट अ कोइंसिडेंस, हम उस बिल्डिंग के बिल्कुल एग्जैक्ट ऑपोजिट रहते हैं। अरे अपने मिस्टर को कहो ना तो संडे आओ। हाँ हमारे यहाँ आएंगे आंटी। थैंक यू सो मच, चलती हूँ आंटी। ओके बेटा, तुम्हारे पर्स से कुछ गिरा है। ये लॉटरी का टिकट है, मेरा नहीं है। लॉटरी का टिकट? हेलो हेलो, सॉरी मैं आपकी बातें सुन रहा था। लंदन में ऐसे कुछ हुआ था, एक लॉटरी की टिकट मिली थी और विनिंग नंबर निकला, पेपर में था। कॉन्टैक्ट नंबर शायद पीछे होगा, मेरा फोन यूज कर लीजिए, शायद आप मेरे लिए लकी हो। जल्दी जल्दी शुभ काम में देरी क्या? आंटी मैं ये सब में बिलीव नहीं करती। अरे ट्राई करने में क्या हर्ज है, मुझे दीजिए। लेट्स ट्राई। हेलो, हेलो नेशनल लॉटरी। हाँ मेरी लॉटरी टिकट का नंबर है 1214652. यस कांग्रेचुलेशन मैडम, यस आप इनाम जीत गई है। Yes! आपके हाथ, आपके हाथ मेरे लिए बहुत ही लकी। मैं भी जाके ये टिकट लेता हूँ। कंग्रेचुलेशन। कंग्रेचुलेशन। नहीं आंटी, नो शेयरिंग, ये पैसे सिर्फ आपके। फेयर इज फेयर, टिकट हम दोनों को मिला था ना। और तुम तो इस शहर में नहीं आई हो, तुम्हें ऑफिस भी नहीं मालूम कहाँ है, कहाँ ढूंढती फिरोगी। नहीं नहीं, ये लो ये लो। प्लीज आंटी प्लीज, मैं ना नहीं सुनने वाली। लो यू नो, अजीब बात है, मैं गिल्टी भी फील कर रही थी लेकिन मजा भी आ रहा था। इट वाज ग्रेट फन। साइकोट्रिक छोड़कर नया धंधा शुरू करने का प्लान तो नहीं है? सो वाज आई गुड? एक्सेलेंट। अब एक काम करो। क्या? पैसे लौटा कराओ। क्या? हम लोग चकमा देते हैं पर ऐसे इंसान को नहीं जो पैसे गिन गिन कर हाथ से कोड़ कर अपना घर चलाते हैं। पर अर्जुन मैं क्या बोलकर पैसे लौटाऊंगी? मैंने तुम्हारी ड्रामेबाजी देखी है, आई एम श्योर यू विल थिंक ऑफ समथिंग। अब जाओ लौटा कराओ। ओके एक बात बताऊं दोस्त, कि हंसी मजाक ये रोमांस वोमांस समझे वाली बात है, हमारे पास सिर्फ 3 दिन बचे हैं। देख अर्जुन, मैं एक प्रोफेशनल हूं, हंसते हंसते गोली चला दूंगा। ये लड़की को काटा, धंधे पे लग जाओ। आई टेल यू कंप्लीट सरप्राइज, 2,500 रुपए। हाँ एक्सक्यूज मी आंटी, एक मिनट, होल्ड ऑन आंटी। एक्चुअली वो लॉटरी का टिकट असली नहीं था। हाँ? मैं एमटीवी बकरा से हूँ। ओ इतना प्यार से मत देख, डायबिटीज हो जाएगी बेचारे को। छोड़ ना यार। तुम्हें कैसे पता था कि वो सही निशाना थी? हर इंसान अच्छा होता है, वक्त उसे बुरा बनाता है। मेरे काम का पहला उसूल है कि हमारा निशाना जो भी हो वो काम उसे एक अच्छा इंसान होने की फीलिंग दे। कैसा लगता है तुम्हें ये सब करके? अच्छा, बहुत अच्छा। आप लोग चुप क्यों हो गए? मतलब कुछ करने वाले हो क्या? नहीं, मैं निकलता हूं यहां से। और शहीद हो गया औरत के हाथों, डायबिटीज तो पक्का। 3 दिन बचे हैं दोस्त।
I'm sorry, कैफ को बात करने की तमीज नहीं है. Let's go someplace. Come on, cheer up. Hello. Yes, sir. A double room, please. Sorry, sir, we have no rooms left. Hello, ma'am. You sure? All the rooms are full. I'm really very sorry, sir. I want this to be sent to China right now. Sure, sir. कोई नहीं आएगा. तुम सबका दिमाग पढ़ सकते हो क्या? नहीं, थोड़ा बहुत भरोसा भगवान पर भी है. जिस्मों की दबी आरज़ू है मर जाए तेरी बाहों में हम. जल जल के धुआं हो रहे हम नस नस में नशा भीगा है मन. जिस्मों की दबी आरज़ू है मर जाए तेरी बाहों. रात को होश की है जरूरत कहाँ? आज शर्म से कोई कह दे ना आए यहाँ. आज रात को होश की है जरूरत कहाँ? शर्म से कोई कह देना आए यहाँ. छूने से तेरे हो जाने मन होता है जुनू दीवाना पर नशा. जल जल के धुआं हो रहे हम नस नस में नशा भीगा है मन. जिस्मों की दबी आरज़ू है मर जाए तेरी बाहों में हम. ओ हो हो बाहों में मिल गई है हमारे बदन. ये भी नहीं है पता कौन तुम कौन हम. ओ ये इस कदर मिल गई है हमारे बदन.
सांस पसीने से है नम, शोलों से छलकती है शबनम, जरा जल जल के धुआं हो रहे हम, नस नस में नशा दीगा है मन, जिस्मों की दबी आरजू है मर जाए तेरी बाहों में हम, ओ हो हो बाहों में हम। हाँ कैफ बोल, क्या हुआ? भाटिया निशाने पे पहुंच रहा है बकरे को लेकर। लेकिन वो तो कल होने वाला था। अरे प्लान चेंज हो गया यार, तो जल्दी निकल वहां से, वरना अगर प्लान फेल हो गया ना तो। गाड़ी में मैंने जो बोला वो करना पड़ेगा दोस्त। तो ठीक है, मैं अभी पहुंचता हूं। क्या हुआ? मेरा एक बड़ा काम जो कल होने वाला था वो आज हो रहा है। मुझे फौरन अपनी पोजीशन पर पहुंचना है, नहीं तो सब कुछ गड़बड़ हो जाएगा। वी हैव टू लीव, आई एम सॉरी। अर्जुन मुझे भी चलना है। अर्जुन क्या? प्लीज बताओ ना क्या काम है, अब किसकी बारी है? तुम सवाल बहुत करती हो। सुनो तुम घर जाओ, कॉल यू लेटर। मुझे भी चलना है। पागल हो गई हो क्या? आई एम सीरियस, बस एक बड़ा काम देखना है प्लीज। नताशा मेरा काम मजाक नहीं है, कहीं कुछ गलती हो गई मैं मारा जाऊंगा। तुम ड्रामा बहुत करते हो। वन सेकंड। अर्जुन क्या मुझे भी साथ चलना है प्लीज। सेमीकंडक्टर्स आर सो इफेक्टिव आई टेल यू। शिट, उस बकरे ने हम दोनों को साथ देख लिया है, अब तो मेरे साथ नहीं होगी, उसे शक होगा। मतलब मैं चल सकती हूँ? शी इज टू गुड यार। शी इज टू गुड। या या आई डोंट हैव अ चॉइस, बट प्रॉमिस मी वहां कुछ भी हो जाए, आई मीन कुछ भी, तुम एक लव्ज नहीं बोलोगी। जो मैं करूंगा वो करना, और तुम वहां किसी को नहीं जानती सिवाय मुझे। Okay. Promise. Let's go. हाँ चलिए, मैं पीछे देखता हूँ, मैं संभाल लूंगा पीछे जो कुछ होगा। क्या फोन? सिगरेट। टैक्सी। नहीं रुकेगा, नहीं रुकेगा। टैक्सी। पता नहीं, नहीं रुकेगा। ये टैक्सी भी रुकता ही नहीं कोई। ऐसा ही होता है यहाँ पे। स्टैंड पे आओ तो नो टैक्सी। I tell you it's very frustrating. It's very frustrating. कोई फायदा नहीं यार। इसलिए अपनी गाड़ी बहुत जरूरी ऑटो है। ये भी नहीं रुकेगा। जस्ट डोंट गेट इट। क्या सिगरेट? फोर फोर। या टैक्सी। नहीं रुकेगा। जाओ 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 जाओ, मत रुको, जाओ जाओ जाओ। टैक्सी। ओ भाई साहब, हम भी टैक्सी की वेट कर रहे हैं। शरीफ आदमी के लिए कोई रुकता है? छोटे वाले भाई साहब, यू नो व्हाट आई मीन, ऐसा ही होता है यहाँ पे। इसलिए मैं बोलता हूँ अपनी गाड़ी होना बहुत जरूरी है लाइफ में। Excuse me. हम जी मुंबई। कोई फायदा नहीं रोकने। आपकी घड़ी में टाइम क्या हो गया? 2:45। पौने तीन, ढाई में 15 ज्यादा। अच्छा। ये क्या? इतने सारे पैसे? या आपका बैग है? नो। ये कलर तो वही एक्चुअली, लेकिन नहीं, काफी पैसे हैं। अरे लॉट ऑफ मनी। अब कोई नहीं बोल रहा है तो मैं ही बोलता हूं। हम सब वहां गुड सिटीजन्स की तरह 10 मिनट तक खड़े थे। हाँ भाई, खड़े थे खड़े थे। ये बेचारे जेंटलमैन तो इतना चला है कि अभी कॉफी पीनी पड़ रही है। खैर अब काम की बात। इस बैग में 4 लाख रुपए हैं।
मेरा एक भी रुपया गुम हो जाता तो मुझे हफ्ते भर तक कॉन्स्टिपेशन रहता। क्या बात कर रहे हैं? सीरियसली? हाँ? और इस बैग में 4 लाख रुपए हैं। इसका मतलब या तो ये आदमी बैंक रॉबर है या कोई स्मगलर है या फिर उसके पास इतना पैसा है कि उसको फर्क ही नहीं पड़ता। खैर अब सवाल ये उठता है कि हमें इस बैग को लौटाना चाहिए या नहीं। हाँ, जाहिर सी बात है, मतलब उन्हें सोचने वाली बात है ना। जाहिर सी बात है, क्या आप बड़े भोले बन रहे? कैसे नहीं, अगर लौटाने का ही प्लान था तो हम लोग यहाँ नहीं होते ना भाई साहब। है जी, है? Well, let's be frank. हम लोग यहाँ किस लिए हैं? पैसे लेने के लिए। So why don't we do a vote? जो हाँ बोलता है वो हाथ ऊपर करेगा। Come on. Good. बस अब एक और प्रॉब्लम है, हमें ये पता करना है कि ये पैसे चोरी के हैं, साफ पैसे हैं या ड्रग मनी है, क्योंकि हम पकड़े जा सकते हैं। अगर ये बैंक से चोरी किया हुआ पैसा है तो हम लोग एक नोट खर्च करेंगे, पकड़े जाएंगे और जेल में बंद हो जाएंगे। है ना? पॉइंट है, पॉइंट है। एक तरीका है वैसे, इसमें से एक नोट ले जाते हैं बैंक में, चेक करते हैं, अगर चोरी का माल है तो फिर ये नोट नंबर्ड होगा, और अगर नंबर नहीं है तो फिर ऐश करते हैं, बांट लेते हैं आपस में। हाँ नहीं, लेकिन बात तो फिर वही है ना कि पता कैसे लगेगा कि पैसा साफ है कि नहीं है। मेरा एक दोस्त है जो बैंक में काम करता है, कल सुबह मैं इन पैसों को उसके पास ले जाकर चेक करवाऊंगा और वापस लाऊंगा। हेलो, एक सेकेंड, इस बात की क्या गारंटी है कि तुम पैसे लेके भाग नहीं जाओगे? हाँ, सवाल तो अच्छा है, ऐसा भी कर सकते हैं। इस वक्त मेरे और मेरी वाइफ के पास बैंक में 50,000 रुपए हैं जो मैं अभी एटीएम से लेकर आ सकता हूँ। I can keep that here as guarantee and then I will go and check it and that's it. तो मुझ पर किसको भरोसा है? हेलो मैडम, एक मिनट, जो भी बोलते हैं भाई साहब आपका हाथ ऑटोमेटिकली ऊपर चला जाता है। आई एग्री। हाँ नहीं, वो तो इनकी वाइफ है ना, तो क्या शादी के बाद ऐसे होता है क्या? मुझे क्या पता, मेरी थोड़ी हुई। वैसे मेरे पास एक बेटर प्लान है, मैं यहाँ पर एक बिजनेस डील के लिए आया हूँ और इस वक्त मेरे पास करीबन 2.5 लाख रुपए हैं। क्या बात कर रहा है? अच्छा, हाँ, तो अच्छा। मैं ये पैसा एज कोलैटरल रखता हूँ, अपने बैंक में जो दोस्त है उससे बात करके ये पैसे बांट लेते हैं। हाँ? साउंड्स गुड। तो मेरे साथ कौन कौन है? मैं हूँ भाई साहब। हाँ? ओ मैडम, क्या हुआ, कीजिए ना अपराध, कीजिए कीजिए। ओके, बिठा लो। चलो ठीक है भाई, अभी तो सुबह तक यहीं रुकना पड़ेगा, है ना? हाँ, सुबह तक तो रुकना ही होगा। नहीं तो रुक जाते हैं, रुक जाते हैं। हाँ, रिलैक्स करिए ना। हाँ, रिलैक्स रिलैक्स, फैल जाइए आराम से, आराम से। जाइए। हो गया आपका? हो ही गया। मैं हो क्या था? हाँ जाइए। फ्लश चलता है? हाँ, फुल चालू है, फुल चालू। आगे राइट साइड में जाकर। अब बोलिए ना, मैं चलूँ आपके साथ? नहीं नहीं, एक्सक्यूज मी। हाँ जाइए जाइए जाइए। भाई साहब, भाई साहब, एक मिनट। थैंक यू। ओ, फ्लश नहीं चलता है बाथरूम में। चलता है भाई साहब, मजाक कर रहे हैं, पानी नहीं आ रहा। अर्जुन, प्लान क्या है? अर्जुन, तू इसको क्यों लेके आया यहाँ पे यार? बाद में यार। अर्जुन, प्लान क्या है? बैग में ये पैसे नकली हैं। सब असली है, सिकंदर से उधार लिए। सिकंदर? लंबी कहानी है। एनीवे, प्लान ये है, जब वो पैसे लेकर जा रहा होगा तब हम एक छोटा सा मैजिक ट्रिक करेंगे। मैजिक ट्रिक? हाँ मेरे साथ आओ। हम बैग बदल देंगे। इंटरेस्टिंग। बैग। अच्छा, मैं जरा फ्रेश होकर आती हूँ। ओके। हाँ जाधव, मेरी बात ध्यान से सुनो, जब तक मेरा सिग्नल नहीं मिले सारी पुलिस फोर्स रोड के उस तरफ रहेगी, होटल के अंदर कोई नहीं आएगा। इज दैट क्लियर? हाँ, मैं उन्हें रंगे हाथों पकड़ना चाहता हूँ बैग्स बदली करते वक्त। सबके सब हैं, और हाँ एक लड़की भी है जिसका नाम हमारी लिस्ट में नहीं है। एक्शन टाइम जाधव, स्टे अलर्ट। जल्दी यहाँ से निकलो, ये एक पुलिस वाला है। क्या? फ्रीज, कोई नहीं लेगा, हाथ ऊपर, हाथ ऊपर, सब लोग सुनिए, ऊपर। देखिए,
ये तो मर गया यार। शिट, तुमने पुलिस वाले को मारा। नहीं, मैं पुलिस तो अपनी ले लेगी। मैंने नहीं मारा है कैफ, तुमने देखा ना भाटिया, मैंने नहीं मारा है। अर्जुन तुमने देखा ना, मैंने गोली नहीं चलाई। तुमने देखा ना अर्जुन, मैंने गोली नहीं चलाई। शट अप, तुमने देखा ना, मैंने गोली नहीं चलाई। शट अप, मैंने गोली नहीं चलाई। मैंने कुछ नहीं किया। शट अप नताशा, शट अप। मैंने कुछ नहीं किया कैफ, मैंने गोली नहीं चलाई। ये अकेला नहीं होगा, दूसरे ऑफिसर जरूर बाहर होंगे। कुछ नहीं किया। क्या हुआ? हमारे पास सिर्फ दो चार मिनट है। Come on, let's go. Come on, let's go. Calm down. Come on, let's go. Let's go. Come on. चल. यार बर्बाद हो गए हम लोग यार। ये पुलिस वाले छोड़ेंगे नहीं हम लोग। हमारे पास बच निकलने का भी एक मौका है। पुलिस हमें पहचानती है, तुम्हें नहीं। वहां लोग अपनी गाड़ियां वाले पार्किंग के छोड़ रहे हैं। तुम्हें वहां जाकर अगली गाड़ी को यहां लाना पड़ेगा। लिसन टू मी, तुम्हें जेल जाना है, हमें भी नहीं। सो कम ऑन, डू इट। कम ऑन नाउ, बी अ ब्रेव गर्ल, यू कैन डू इट। कम ऑन, आ जा। देख यहां पे सब कुछ गड़बड़ हो गया। नहीं तो वहां रुक, मत पहुंच रहे यार। कहा था मैंने उस लड़की को इतने प्यार से मत दे, डायबिटीज हो जाएगी। सारा कैंसर हो गया अभी। तू चुप रह बे, इससे बहुत अच्छा हूं मैं, काम के वक्त काम करता हूं मैं। अच्छी मुसीबत मोल ले ली, ऐसा थोड़ा ना होता यार। धंधे का जोरी तोड़ डाला सर। उस वक्त मैं कुछ नहीं कर सकता था, उस बकरे ने हम दोनों का साथ देख लिया था। सिकंदर को पैसे वापस करने का आज आखिरी दिन है अर्जुन। सब कुछ गड़बड़ हो गया है, सब कुछ। मैंने गोली नहीं चलाई, कोई मेरी बात मानेगा प्लीज। अर्जुन तुम कुछ बोलो ना। अरे क्या बोलू, क्या बोलू मैं? पुलिस या सिकंदर थोड़ी मेरी बात मानेंगे। अजीब तरीके से फंस गया हम लोग यार। अर्जुन एक काम करते हैं, वो जो सिकंदर से उधार लिए थे ना पैसे, कम से कम वो तो वापस करते हैं यार। हाँ, तेरे पास एक और दिन है ना अरेंजमेंट करने के लिए, कुछ तिकड़म पट्टी कर लेते यार। भाटिया बैग दे, कैफ के पास है। हेलो, बैग तेरे पास है यार। क्या वो अलमारी में रखा था तूने? वो लड़की को दिखा के इंप्रेस नहीं कर रहा था तू? क्या क्या तुम दोनों मजाक कर रहे हो? अरे बैग इसके पास है यार। क्या क्या? ओह माय गॉड। क्या गॉड? क्या बैग तो होटल में रह गया यार। भाटिया तुम जानते हो इसका क्या मतलब है मेरे लिए? ये तो पुलिस होगी वहां पे यार। सिकंदर के ये पैसे भी गए। शिट, शिट। अर्जुन मेरी बात मान, इससे दर्द कम होगा। ये तो क्या कर रहा है कैफ, ये क्या कर रहा है तू? इसको अंदर रख, उनको चल। का काम आसान कर रहा हूं मैं, सिकंदर इसको तड़पा के मारेगा, समझा? यार जो भी होगा बाद में देख लेंगे, तू गन को अंदर रख। बात को समझा कर, गन को अंदर रख। तू मरेगा नहीं, तू मरेगा क्या? चल यार, दोस्ती का फर्ज नहीं मारेगा तू? प्लीज कैफ, प्लीज। बात को समझ नहीं रहा साला यार। सॉरी, आई एम रियली सॉरी यार। अर्जुन देख देख, दर्द कम होगा, तू बैठ जा और आंखें बंद कर ले, मेरी बात मान। ये सब तुम्हारी वजह से हुआ है, तुम इसकी जिम्मेदार हो, याद रखना। कैफ रुक जाओ, कैफ नताशा रुक जाओ, प्लीज प्लीज रुक जाओ। देखो पैसे मैं ले आऊंगी, अर्जुन तुम मुझसे पैसे ले लेना। देखो कैफ प्लीज मेरी बात सुनो, अगर तुम्हें तुम्हारे पैसे मिल जाते हैं तो क्या अर्जुन को तुम थोड़ा वक्त दे सकते हो? प्लीज नताशा, ये कोई मजाक का वक्त नहीं है। I'm serious, अर्जुन। अर्जुन इससे पैसे ले ले, वैसे भी ये सब इसी की वजह से हो रहा है, ले ले इससे पैसे। प्लीज तुम लोग सिकंदर को जानते नहीं हो। अर्जुन आंखें बंद कर, आंखें बंद कर। यार क्या छोड़ो यार, प्लीज। सॉरी, वो जो चिल्लाया तुम पे उसके लिए माफ कर देना। वो मैंने जो थप्पड़ मारा था, सॉरी फॉर दैट।
डरो मत, तुम्हें कुछ नहीं होगा। पुलिस तुम्हारे बारे में कुछ नहीं जानती है। यू हैव टू प्रॉमिस मी वन थिंग। क्या? तुम कभी भी मुझे ढूंढते हुए नहीं आओगी, ना फोन करोगी। ये तुम्हारी सेफ्टी के लिए कह रहा हूं मैं। जब ये मामला शांत हो जाएगा मैं तुम्हें कॉन्टेक्ट करूंगा। ओके? तुम ठीक तो रहोगे ना? सनी, आप प्लीज बाद में आइए। मुझे बहुत फायदा हुआ। अच्छी बात है, आप प्लीज बाद में आइए। आपने तो मुझे 10 दिन मैं आपको फोन कर लूंगी। सनी प्लीज, लेकिन मुझे आपकी फीस देनी है ना। मैं बाद में ले लूंगी, आप प्लीज जाइए। हां प्लीज, थैंक यू डॉक्टर, प्लीज कॉल मी। लेकिन तूने जो एक्टिंग की, मुझे लगा ये असली में मर गया। फैंटास्टिक। चुप कर भाटिया, जान से मार दूंगा तुझे मैं। क्या? तू खून कम डाला कर यार, पूरी शर्ट खराब हो जाती है। समझता नहीं है यार। तुझे पता नहीं, इंपैक्ट के लिए बहुत जरूरी है, ड्रामेटिक करना पड़ता है, वरना कोई फायदा नहीं कुछ करने का। अच्छा क्या ये सीटी की बजाय ये वो बोल रहा है कि जो तू करके बता रहा था वो फिर से करके बता। अरे क्या सीन था, जैसा ही मैंने एंट्री करा ना, फुल ऑफ टेंशन। नहीं, तुम जाओ। अरे जाओ ना प्लीज, आई विल कॉल यू। प्लीज यू गो। थोड़ा ओवर नहीं कर रहे? अर्जुन, हाँ वो सिकंदर से मिलने गए, मानना पड़ेगा उसको। 10 दिन का काम 9 दिन में करके दिखाया। चल जैक, पत्ते निकाल। कुछ पियोगे? No, thank you. 10 दिन से पहले मेरे पैसे, I like it. मुझे जिंदा रहने का शौक है। अगर तुम फेल हो जाते तो तुम्हें मारने में मुझे बहुत मजा आता। आपका दिल टूटा, मुझे बहुत दुख है, सॉरी। टॉमी स्मार्ट सनी, मेरी अमानत। $3 लाख और $1 लाख इंटरेस्ट, पूरे $4 लाख। मुझे तुम पर भरोसा है, पानी पी लो। नहीं, क्यों? तुम्हारे शिकार ने तुम्हें ढूंढ लिया है। कैफ ने सही कहा था, ये औरत नाम की चीज मुसीबत ही होती है। ये पैसे मेरे हैं अर्जुन, तुमने चुराए ये पैसे मुझसे। सही नहीं किया तुमने, धोखा दिया है तुमने मुझे। स्वीटहार्ट, गंज और लड़कियां सिर्फ जेम्स बॉन्ड की फिल्मों में अच्छी लगती हैं। भारतीय नारी के हाथ में थाल, शरीर पर सारी शोभा देती। लेकिन डोंट से एनीथिंग। आई अंडरस्टैंड योर प्रॉब्लम, लेकिन ये पैसे मैं तुम्हें नहीं दे सकता। ट्राई टू अंडरस्टैंड, वो पैसे मेरे हैं, इस आदमी ने चुराए वो पैसे मुझसे। ओके, आई अंडरस्टैंड। ये बैग आपने खुद उसे दिया? हाँ, पर That's it. जब बैग आपने खुद दिया तो प्रॉब्लम क्या है? नताशा ने अपना बैग लेने की खूब कोशिश की, उसने सिकंदर को बहुत समझाया,
वो मेरा बैग है, पैसे भी मेरे हैं। इसके लिए वो बैग मुझे चाहिए। एक सुंदर औरत की बात कौन टाल सकता है, सिकंदर भी मान गया। लेडी, ये रहा आपका खाली बैग। We have no business. You can leave. ठीक है, पैसे मत दीजिए, पर ये बताइए कि अगर आपको पैसों का इतना ही शौक है तो इतना छोटा हाथ क्यों मारा? मैं सोचती हूँ आप जैसे आदमी को तो करोड़ों की बातें करनी चाहिए। आप सोचती भी हैं, ये सोचती भी हैं, मेरे बार में डांस करोगी? I'm serious. आपने अर्जुन के सर पर बंदूक रखी और उसने आपको 9 दिन में 4 लाख ला कर दिए। अगर आप उससे 25 दिन में 25 करोड़ मांगते तो ये वो भी ला सकता था। स्वीटहार्ट, ये बैंक रॉबर नहीं है, कौन आर्टिस्ट है छोटी मोटी हेराफेरी कर सकता है। फिर ऐसा कौन सा खिलाड़ी है जिससे 25 करोड़ ला सकता है? इसकी बात मत सुनिए, ये औरत पागल है। Never insult a woman's intelligence. ऐसा कौन सा निशाना जहां से 25 करोड़ ला सकता है? एक खिलाड़ी है, जहांगीर खान। तुम पागल हो गई हो क्या? जहांगीर खान, बिलियनर बिजनेसमैन, व्हाइट कॉलर क्राइम का बादशाह। दुनिया में ऐसा कोई बिजनेस नहीं जिसमें इनका हाथ ना हो। देश भर में इनके बैंक्स हैं, स्टैंडर्ड बैंक। कहा जाता है कि इन बैंक्स में हर हफ्ते मनी लॉन्ड्रिंग और हवाला के जरिए 400-500 करोड़ का घोटाला होता है। सर, वो मुंबई के मलेरिया डील्स के लिए हम उनके 12 कमिटीज के साथ एक एक करके बातें कर रहे हैं। बूंद बूंद से समंदर नहीं बना करते, ये बातें सिर्फ किताबों में अच्छी लगती हैं। देसाई, हम सिर्फ चीफ मिनिस्टर से मिलना चाहेंगे आज। जहांगीर, तुम्हें क्या लगता है मैं जहांगीर से कम हूं? नहीं, कम नहीं हो, पर सोच लो, 25 करोड़, वो भी जहांगीर खान के। अगर अर्जुन ले आया तो दुनिया ये कहेगी कि सिकंदर ने जहांगीर खान को बनाया, और अगर अर्जुन हार गया तो दुनिया ये कहेगी कि एक मामूली खिलाड़ी मारा गया। डरते हो उससे? सिकंदर किसी से नहीं डरता, जहांगीर खान भी वही काम करता है जो सिकंदर करता है। जहांगीर खान भी वही विदेशी कपड़े पहनता है जो सिकंदर पहनता है। जहांगीर खान भी वही विस्की पीता है जो सिकंदर पीता है। बस फर्क सिर्फ इतना है कि जहांगीर खान अपनी विस्की चीफ मिनिस्टर के साथ पीता है और सिकंदर। थैंक यू। मैंने आपके बारे में बहुत सुना है खान साहब, मैं आपके कनेक्शंस के बारे में भी जानता हूं, पर फर्स्ट थिंग्स फर्स्ट, मैं इतने शॉर्ट नोटिस पर आपसे मिलने के लिए इसलिए आया ताकि आपसे मिलकर मैं आपको यह बता सकूं कि आई एम नॉट स्केर्ड ऑफ यू जहांगीर खान। आपने शहर पे 20 साल राज किया है, पर अब न्यू मैनेजमेंट, न्यू रूल्स, और मेरी मैनेजमेंट के अंडर अब आपका कोई भी टेंडर पास नहीं होगा, बिकॉज आई एम नॉट फॉर सेल खान साहब। और मैं उम्मीद करता हूं कि आप भी मेरी शराफत पर शक नहीं करेंगे। शराफत, ईमानदारी, देशभक्ति, ये सब हैं बिक जाने के नाम। शरीफ वो है जो पकड़ा नहीं गया। ये हमारा समाज नहीं, एक नीलाम घर है सीएम साहब। गोली लग रही है, ईमान बिक रहे हैं। किसका ईमान कितने में बिकता है ये मैं जानता हूं, और आप भी अच्छी तरह जानते हैं। मिस्टर खान, सीएम साहब, आई एम अ मैन ऑफ द लॉ, आई लाइक यू,
I like your family. सुना है कि आपका लड़का अमेरिका में पढ़ता है और उसे तेज गाड़ियां चलाने का बेहद शौक है. उससे कहिएगा जरा अपनी रफ्तार कम कर ले. You know the saying, drive like hell when you get there. कौन तुम? आप, खान साहब. आप जैसा कहेंगे वैसा होगा खान साहब. जैसे कि मैंने कहा, ईमान की भी कीमत होती है. सिर्फ मौत रिश्वत नहीं लेती, इसलिए कि कफन में जेब नहीं होते हैं. मैंने आपको सिर्फ दोस्ती का हाथ बढ़ाने के लिए यहां बुलवाया था. खान साहब, फ्रेंड्स, फ्रेंड्स. खान साहब, आई एम वेरी ग्लैड. सीएम साहब, आई एम माइटी ग्लैड. अल्लाह हाफिज. शुक्रिया. निशाना जहांगीर खान. 25 दिन 25 करोड़. अगर कामयाब हुए तो तुम सबको इनाम मिलेगा 2%, और अगर नहीं हुए तो तुम सब चौपाटी का पानी पी रहे होगे. मगर धीरे धीरे. पर बस मैंने क्या किया? आज से तुम भी इनका हिस्सा हो. गो. 6 फुट 1, 5 फुट 9, 5 फुट 11, 5 फुट 7, 6 फुट. मैं इतने सारे कफन कहां से लाऊंगा? तू शांत रह, मैं संभालता हूं. तू क्या संभाल? Okay. क्या संभालेगा तू? 25 करोड़ 25 दिन में लगा तू? जानता है कौन है वो? जहांगीर खान है वो. जानता हूं. प्लीज रिलैक्स. ये क्या बोल रहे? अब पता है यार, कमी नहीं है पर औरत है. क्या कर सकते हैं यार, छोड़ जाने दे. ले रखो. नहीं नहीं, कुछ नहीं करना. एक परफेक्ट प्लान है मेरे पास. ये मर मर के जीने से अच्छा एक काम करते हैं, मास सुसाइड कर लेते हैं. 6 गोली मेरे पास, चल हम लोग के लिए 2 इस कमीनी के. नहीं छोड़ मेरे को यार. अर्जुन एक बात बता, इस कमीनी के लिए मैं क्यों फंसूं? मैंने कहा ना, मैं संभालता हूँ. तू घर जा, हम कल मिलते हैं. तब तक मैं प्लान सोच लूंगा. प्लीज तू कुछ सोच ले. हाँ, वरना तो कहीं. यस, कल तक सोचता हूं. ओके, रिलैक्स. कैसे हंस रही है? hey, तो नहीं, कैफ. अगर आप लोग ये सोच रहे हैं कि मैं यहां से कूदकर सुसाइड करने वाला हूं तो कंग्रेचुलेशंस, आप भी दिमाग पढ़ना सीख गए हैं. 25 दिन में 25 करोड़, वरना सिकंदर का बनाया हुआ रिटायरमेंट प्लान तो था ही. प्लान क्या अर्जुन? हम लोग जहांगीर खान के स्टैंडर्ड बैंक का एक मिड लेवल एम्प्लॉई जो लोन डिपार्टमेंट में काम करता है, उसे निशाना बनाएंगे. उसके पास हम अपने कॉर्पोरेट पेपर्स ले जाएंगे. वो हमारा 25 करोड़ का लोन पास करेगा. पैसे हम किसी ऑफशोर बैंक में डिपॉजिट करेंगे इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफर के जरिए. क्योंकि हमारा कॉर्पोरेट अकाउंट है, वो हमें चेक देगा. वो चेक हम किसी दूसरे बैंक में ले जाकर कैश करेंगे. वापस आते वक्त इतने सारे पैसे क्लियर करने के लिए, बिना पकड़े जाए क्लियर करने के लिए, कस्टम्स में एक आदमी लगेगा. हम एयरपोर्ट से निकलेंगे और गायब हो जाएंगे. दैट्स द प्लान. क्लियर एंड सिंपल. वाह अर्जुन, बस यही प्लान है ना? अरे नहीं नहीं, मेरा प्लान बेटर है यार. कोई बात नहीं, बाद में कर लेंगे ये भी. कोई बात. तो किसी और के पास कोई और प्लान है? अर्जुन तुझे पता है हमसे पहले कितने इडियट्स ने ये प्लान सोचा है और इस वक्त तिहाड़ जेल में मिसल पाव खा रहे हैं. तो कोई और प्लान है? अरे मेरे पास है ना यार, ये है ना. मेरे साथ कौन है? मैं हूं. ओ मां, हम तो धन्य हो गए. मैं हमेशा तेरे साथ, अब चाहे चौपाटी का पानी हो या तिहाड़ जेल का मिसल पाव खाना, मैं तेरे साथ. यार तुम लोग भी ना बहुत बात पे सेंटिमेंटल हो जाते हो. मैं तो कह रहा हूं अभी भी ये प्लान है. प्लान कब शुरू? मेरी बीवी दूसरा हनीमून चाहती है. मेरे बेटे को बेवाच यूनिवर्सिटी में पढ़ने जाना है, बड़ा खर्चा है. वहां भी जाके क्या कर लेगा है? तू शुअर है वो माल रोज यहीं से निकालता है? हर दिन आता है और वीकेंड में तो जरूर आएगा. हर जंकी वीकेंड में माल खरीदते हैं. एक बार ये माल हाथ लग जाए ना तो जिंदगी में सेक्स आ जाए.
अरे उसके लिए तो मुझे अपनी सास को मारना पड़ेगा। मार दो। क्या मार दो? मन वाली कर लेते ना साहब। आराम से खड़ो जा बेटा, आराम से। अब आप लोग रख लो ना साहब, ये मुझे छोड़ो। सब बॉस को बोल दूंगा, सब पानी में चला गया। क्या पानी में चला गया? चल फूट, निकल, निकल यहाँ से, भाग। अब तो दो क्या, दस दस हनीमून मनाएंगे डिसोजा। दस दस? अरे अब तो तू बीवी बदल सकता है शर्मा। Yes. Hello. What do you want? CBI Inspector Sir this side. Sir. Sir. Sharma D'Souza. Sharma D'Souza. Sir, आप लोग रखो ना साहब। मुझे छेड़ो। सब बॉस को बोलो सब पानी में चला गया साहब। क्या पानी में चला गया? चल भाग चल भाग चल भाग चल यहाँ से भाग। ठीक चल ठीक है चल भाग चल। मुझे सिर्फ एक खिलाड़ी चाहिए और तुम उसे जानते हो। कौन सर? अर्जुन। पिछले चार साल से मैं उसके पीछे पड़ा हूं और मुझे पता चला कि बहुत बड़ा काम करने वाला है। सिर्फ अर्जुन चाहिए? उसका तो हम शाम को ही एनकाउंटर कर देते हैं। यस सर। शट अप। मुझे उसे रंगे हाथों पकड़ना है। तुम लोग चुपचाप उसका पीछा करो और पता लगाओ कि वो क्या करने वाला है। 10 दिन का वक्त देता हूं, अगर नहीं किया तो तुम जानते हो ये टेप कहां तक जा सकती है। सर हम 2 दिन के अंदर आपको पता लगा करके आपको बता देंगे। हमारी तो बैंड बजी। अरे बैंड काहे की बजी, कम से कम ये कोकीन तो है हमारे पास। एक सेकंड, ये कोकीन यहाँ लाना वरना स्वर्ग यात्रा नहीं कर सकते, समझे? अरे सर, अरे बात तो सर सुनिए, अरे सुनिए सर, सब इसकी वजह से हुआ, सब इसकी वजह से। तुम सब झगड़ना बंद करोगे? अगर ये काम करना है तो हम सबको एक साथ करना होगा। जैक तुम लेटर ऑफ इंटेंट और बाकी सारे कॉर्पोरेट पेपर्स तैयार रखना। शेट्टी के पास जाना, वो ग्रेजुएट है, स्पेलिंग मिस्टेक नहीं करेगा। भाटिया तुम जाली पासपोर्ट्स का इंतजाम करना। ओके। और नताशा तुम स्टैंडर्ड बैंक के लोन ऑफिसर्स की एक लिस्ट तैयार करो, तुम 2 दिन में एक्टिवेट होगी। ओके। कस्टम ऑफिसर का क्या करना? वो मैं संभालूंगा, लेकिन एक और बड़ी प्रॉब्लम है। क्या? हमें किसी बैंक में अपनी नकली कंपनी का कॉर्पोरेट अकाउंट खोलना होगा और उसके लिए 25 लाख की जरूरत है, क्योंकि उसके बिना कोई बैंकर हमारे लीगल पेपर्स अटेस्ट नहीं करेगा। क्या नहीं यार, सिकंदर के पास मैं कैसे? सिर्फ 25 लाख? जी। 50 क्यों नहीं? उतने की जरूरत नहीं बॉस। कितने पैसों की भी क्यों जरूरत है? बस क्या है, इकोनॉमिकली स्पीकिंग। कैफ तुम समझते क्यों नहीं हो? कहीं ऐसा तो नहीं अर्जुन हमारे साथ कोई गेम खेल रहा है? वो पीछे खड़ा है। अर्जुन इतने पैसों की क्यों जरूरत है? बिना कॉर्पोरेट अकाउंट के कोई बैंकर हमारी कंपनी के पेपर्स नहीं बनाएगा और उन पेपर्स के बिना हम लोन के लिए अप्लाई नहीं कर पाएंगे। ये सही कह रहा है, इकोनॉमिकली स्पीकिंग। अर्जुन तुम जानते हो मैं तुम्हें बहुत पसंद करता हूँ, लेकिन अगर इस गेम में कुछ भी गड़बड़ हो गई तो तुम्हें मारने में मुझे बहुत मजा आएगा। यू अंडरस्टैंड दैट? गाइस अकाउंटेंट से 25 लाख रुपए का चेक लेते हैं। तू ठीक है? थैंक्स यार। चल लंच टाइम, बकरी निकलने का वक्त हो गया है। राकेश ओझा, वाइस प्रेसिडेंट लोन्स डिपार्टमेंट। ओझा सबसे नफरत करता है, हम इसके पास जाएंगे तो ये हमारा प्लान लेकर हमें बाहर कर देगा। विमला शुक्ला, एसोसिएट वीपी। विमला शुक्ला 35, डिवोर्स्ड, एक शादीशुदा आदमी से अफेयर, गुस्से से भरपूर। ये पूरी एक्शन फिल्म है। और कौन है?
जय पटेल। मिस्टर पटेल, आज तक उसकी शादी नहीं हुई है, अकेला रहता है, सपने है लेकिन डरता है। नताशा, आज जय पटेल को सपने दिखाने का वक्त आ गया है, उसे आज शाम को अड्डे पर लेकर आना। गाइज, मुझे आने में देर होगी, मैं कस्टम्स वाले से मिलने जा रहा हूँ, सो प्लीज लुक आफ्टर हिम। ओके भाटिया, श्योर श्योर, आई सी यू एट 9 o'clock। जय पटेल जैसे लोग अपनी सारी जिंदगी एक सपने को ढूंढते रह जाते हैं। गुड इवनिंग मिस्टर पटेल। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। वन व्हिस्की विद 2 क्यूब्स ऑफ आइस एंड सोडा। या ओके। ये वो मुसाफिर है जिनकी गाड़ी बहुत पहले निकल चुकी है पर अब भी खाली प्लेटफॉर्म पर उम्मीद लगाए खड़े हैं, पर आज उजड़े चमन की किस्मत चमकने वाली है। एक्सक्यूज मी, कैन आई सिट हियर? ऑफ कोर्स, ऑफ कोर्स। Thank you, please. Thank you so much. What's I'm Ramona. I am Jay Patil. Nice to meet you, Mr. Patil. My pleasure. Ring for you, madam? Allow me, madam, please. Well, I'll have a whiskey on the rocks. Okay. Sure. Thank you. My pleasure. Mr. Patel, right? Jay. Please call me Jay. Of course, of course. So, Jay, aap kya kaam karte hain? Main Standard Bank mein Vice President hoon. Senior Vice President. Loan Department mein. That's impressive. Vice President, huh? ऐसी कोई बात नहीं। Cheers. 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 कहने को कुछ भी कह सकते हैं। वैसे मैं एक मामूली आदमी हूँ। आप क्या करती हैं? आज तक एक .com की प्रोडक्ट मैनेजर थी, लेकिन हमारे फंड मैनेजर्स ने प्लग पुल कर दिया। Oh. So technically speaking, मैं बेरोजगार हूँ। कैसी बातें कर रही हैं आप जैसी इंटेलिजेंट लड़की को तो कहीं भी नौकरी मिल सकती है। आप तो यूं ही। नहीं नहीं, आई एम सीरियस मैम। रमोना। या रमोना, इट्स अ नाइस नेम। थैंक यू। आप काफी इंटरेस्टिंग इंसान हैं। हाँ, इनफैक्ट मैं अपने पार्टनर से मिलने जा रही हूँ। व्हाई डोंट यू जॉइन अस? आर यू सीरियस? ऑफ कोर्स, उन सबको आपसे मिलकर बहुत खुशी होगी। सो यू आर कमिंग, राइट? या Shall we? Yeah. जय पटेल जैसे बकरे का सिर्फ एक ही खतरा है, वो रेगिस्तान के उस ऊंट की तरह है जिसने सालों से पानी नहीं देखा। तो अगर पानी भी उसके सामने चलकर आए तो उसे वो कीचड़ ही लगेगा। Good. Hi guys. मजा। Hey अर्जुन। विजय। 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 Hi. Hi विजय। What's up? विजय, meet Mr. जय पटेल. Vice President of Standard Bank. How do you do? Fine, thank you. Thank you. भाई, तुम्हारी कंपनी में काम करने का मतलब 24 घंटे पार्टी। Work hard, party harder. हमारा मंत्र है। Cheers. 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 I like it, young man. तुम्हारी जनरेशन कमाना भी जानती है और जीना भी। या गाइस, ये तुम्हारी वो .com कंपनी किस बारे में थी? एक बिजनेस मॉडल था जो किसी भी प्रोडक्ट को अप्लाई हो सकता है, ऑनलाइन या ऑफलाइन। ये .com बिजनेस रिस्की नहीं है? जीना भी तो रिस्की है, लेकिन थोड़ी आदमी सांस लेना बंद कर देता है। बिसाइड्स, वी डोंट लाइक हैविंग अ बॉस, वी वांट टू बी आवर ओन बॉस। तुम्हारा बॉस राघीर? नहीं, जहांगीर खान। सॉरी, जहांगीर खान। कैसा बॉस है? अच्छा है। रियली? ठीक है। मैं क्या बोलूं यार, बॉस है। अपने बारे में बताइए मिस्टर राय, आप तो सीनियर वाइस प्रेसिडेंट है ना, तो आपके बाद तो प्रेसिडेंट ही होगा शायद। हाँ, लेकिन मैं कॉर्पोरेट लोन्स में डील करता हूं। बिजनेसमैन मेरे पास पेपर्स लेकर आते हैं, मुझे अगर वो प्रोजेक्ट फिजिबल लगता है तो मैं लोन अप्रूव कर देता हूँ। दैट्स ऑल। मतलब हम जैसे लोग अगर आपके पास आए तो? दरअसल में .com कंपनीज बैंक को डराती हैं। वी आर नॉट इंटरेस्टेड, इसमें कोई फ्यूचर नहीं है। दैट्स द होल पॉइंट मिस्टर पटेल, फ्यूचर।
we don't have a vision for the future. IBM, Microsoft, Rediff, Yahoo. These were all the so-called risky companies, weren't they? Analysts went about tom-tomming, saying that, oh, computers? No way. We are a poor country, illiterate. We don't have the personnel for this. We have no appetite for computers, you see. 10 years later, what happened? Have you seen the sales figures of computers today? Unfortunately, you banks are sitting on crores of rupees, doing what? Hatching them. It's all right, it's your money. Use it the way you please. But never ever say that India is a third world country. Never do that! He's right. Yes. You are right. I say you are right. लेकिन एक दूसरी प्रॉब्लम है. क्या? लोन अगर अप्रूव हो भी जाता है तो पैसे कैसे वापस आएंगे? जय, मैं तुम्हें एक राज बताता हूं. नहीं, एक्चुअली फॉरगेट इट, सम अदर टाइम. विजय, जय हमारा दोस्त है. या Well, तुमने happy.com के बारे में सुना है? उनकी जो मैनेजमेंट कंपनी थी, वो हम जैसे 5 लोग थे. उन्होंने एक बहुत ही सिंपल चीज की, एक आइडिया लिया, उसको यहां वहां सुनाया, और जब मार्केट में गर्मी पैदा हो गई तो माइक्रोसॉफ्ट याहू जैसी किसी कंपनी को बेच दिया. द ब्यूटी ऑफ द डील वॉज, उन्होंने अपनी कंपनी बिना हुए ही बेच दी. अब जब बड़ी कंपनी वो प्रोडक्ट खरीदने से पहले उसे टेस्ट करना चाहती है, तो happy.com की मैनेजमेंट ने लेटर ऑफ इंटेंट लिया, बैंक से लोन लिया, प्रोडक्ट बनाकर दिखाया, 10 गुना पैसा लेकर कंपनी बेची, लोन चुकाया, बाकी पैसे जेब में. बट प्रॉब्लम ये है, हम इस ऑफर के बारे में किसी से नहीं बात कर सकते, क्योंकि अगर क्लाइंट का नाम पब्लिक हो गया तो सभी के तहत ब्रीच ऑफ एटिकेट माना जाएगा. माना जाएगा, करेक्ट. और अगर हमने बहुत देर वेट किया ना जाए, तो ये डील ही मर जाएगी. थैंक यू. तुम्हारे पास वो लेटर ऑफ इंटेंट है? हाँ है. तभी तो हम दुआ करते हैं कि बैंक हमारी बात समझे. पर प्रॉब्लम ये है जय, कि सुनने में आया है कि एक दूसरी कंपनी भी हमारे जैसे ही प्रोडक्ट पर काम कर रही है, और सिर्फ 2 महीने में उनके पास भी यही प्रोडक्ट होगा. ऑफ द रेकॉर्ड, मुझे किसी को कर देने में कोई इतराज नहीं. एक और ड्रिंक हो जाए? Why not? Cheers everyone. Cheers. Bye. 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 Bye, Mr. Burton. Have a wonderful evening. Me too. See you tomorrow. See you, see you. See you, see you. Bye. 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 Good night. क्या? आज तूने बचा लिया दोस्त. हाँ पता है, शर्मा रहा है, शर्मा रहा है. नहीं यार, शर्मा थोड़ी. सुन, तूने अपनी सांस रुकी है क्या? नहीं तो? तो फिर तेरे कान क्यों लाल है? मुझे भी लगता था यार कि ये पेपर पढ़ने का नाटक करता है, बट ये लोग शुरू हो गया, मैं जा रहा हूँ. कहाँ जा रहा है? साथ चलते हैं. कहाँ जा रहा है? साथ चलते हैं. नहीं नहीं, आज आज नहीं चाहिए. नॉट टुडे, नॉट टुडे. नो नो नो. इसको जरा पूछ तो. मैं क्या पूछ रहा हूँ? क्या पूछ रहा हैं? क्या क्यों भाई, जैक बोलती बंद हो गई. नॉट बैड. सी यू, कल मिलते हैं. बकरी को कल हलाल करेंगे. ओके अर्जुन, गुड नाइट यार. गुड नाइट. Whatever. So,
क्या मैं तुम्हें घर छोड़ सकता हूं? अगर सिकंदर ने तुम्हारे सर पर बंदूक नहीं रखी होती तब भी तुम ये काम करते ना? पता नहीं। तुम्हें ये काम करना अच्छा लगता है ना? तुम क्या हो, साइकाइट्रिस्ट? तुम्हें क्या लगता है? मुझे लगता है तुम्हें इस काम का नशा चढ़ गया है। Set for the meeting. Hey, Jahangir Khan. Yahi rukte. Arjun, yahi rukte. Yahi rukte. Okay. Acha, hum log jo hai. Hey, Khan, Arjun. Ye marega. क्या करें? ये रुकते हैं। चल। स्मार्ट यंग मैन, करते क्या हो? व्हाट डू यू डू सन? एक डॉट कॉम कंपनी खोलने का इरादा है। आई एम हियर फॉर अ लोन। यू हैव कम टू द राइट प्लेस। गॉट माय फिंगर्स क्रॉस्ड। वैसे आप क्या करते हैं? मैं मैं कुछ नहीं करता, सिर्फ यहाँ के लोग मेरे लिए काम करते हैं।
Thanks, son. I don't smoke. It's bad for health. Thank you. You're welcome. I love the scent of a woman. Chanel? I'm impressed. Thank you. Bye, boys. Bye. How do you do it? Experience, son. Practice. Practice. And more practice. Ek din milkar aapse zarur seekhna chahunga. Anytime. Be my guest. Mera floor aa gaya. Allah Hafiz. Allah Hafiz. हंड्रेड परसेंट मरवाएगा यार ये लो भाई वो जहांगीर खान है तुम क्या हो तीस मार खा नहीं अगर मरने का इतना शौक है तो इसका प्लान बुरा नहीं है यार ये गन रखता है अपने पास कभी भी मार देगा हाँ गाइस मैं बकरा नाप रहा था आई वाज हैविंग सम फन अपने कफन का नाप निकल गया था यहाँ पे Oh my God. Very nice. Amazing. आपके पेपर्स तो बिल्कुल ऑर्डर में हैं. In fact, पहली मीटिंग में इतना परफेक्ट पेपर वर्क मैंने आज तक नहीं देखा. Thank you. आप लोगों का लोन तो मैं तीन हफ्ते में अप्रूव करवा दूंगा. Oh, Jay, oh, that's great. You're the best. Thank you. Shagun. Shagun तो ठीक है लेकिन लोन तो 25 करोड़ का है. अब खुश. Very nice. Do we have a deal? Deal. Jack, Jupiter ki jai ho. Jai ho. Jupiter ki jai ho. Ise kehte hain Shetty ko zarur check bhejna. Arey arey sab sab kya kar rahe ho? Sab 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 kya kar rahe ho? Koi nahi milega beech mein. Ha piche hi hai. Tere karan hum phans gaye. Kya? Tera dost. सीबीआई इंस्पेक्टर सरदेसाई तेरे पीछे पड़ा हुआ है और हमको बचाना चाहता है वो सरदेसाई यहाँ सब आराम आराम से भाई क्योंकि हम तेरा सारा प्लान जानते हैं वैसे तो हमने उसको कुछ भी नहीं बताया तू तो बड़ा कमीना निकला बिना हमको बताए सारा प्लान बना लिया अरे मर जाएगा आराम से मैं तुम दोनों को फोन करने ही वाला था अच्छा तुम दोनों के बिना थोड़ी कोई प्लान बनाऊंगा कुछ दिन दो मैं फोन करता हूँ कुछ दिन बोल रहा है सही बोल रहा है सर तुझसे हमारी पुरानी दोस्ती इसलिए छोड़ रहा हूँ चलो ओह क्या दोस्ती है अर्जुन तू ठीक है ना Are you okay? ठीक है हाँ ये सर सदस्य कौन है सीबीआई का स्पेशल ऑफिसर ऑफिसर सरदेसाई दो साल पहले मैं एक बहुत बड़ा काम कर रहा था और मेरा मानना है कि एक पुलिस ऑफिसर को जेब में रखना बहुत जरूरी होता है अब तुझे भगवान की याद आ रही होगी ना एक कहानी सुनाता हूं एक बार एक आदमी जंगल में गुम हो जाता है और उसके सामने एक शेर आ जाता है और वो चिल्ला कर कहता है ए भगवान मैं बर्बाद हो गया उस दिन भगवान मूड में थे भगवान की आवाज आती है
ए बेटा, तेरे पांव के सामने एक पत्थर रखा हुआ है, उसे उठा और शेर के सर पे दे मार। फिर भगवान की आवाज आती है, बेटा तू अब बर्बाद हुआ है। तेरा पॉइंट क्या है? पॉइंट ये है कि अब तुझे कोई नहीं बचा सकता। बिना सबूत के सरदेसाई मुझे जेल में सिर्फ 2 हफ्ते रख पाया, पर उस दिन के बाद से उसने मेरे खिलाफ सबूत इकट्ठा करने की कसम खा ली। खेल खत्म। बट खेल खत्म मतलब? खेल खत्म मतलब खेल खत्म, कहानी खत्म, गेम ओवर, घर जाओ। अर्जुन तुम मजाक कर रहे हैं ना? नहीं कैफ, सरदेसाई हमारा पीछा नहीं छोड़ेगा। अब तक शर्मा और डिसूजा को प्लान पता है, बात फैलने में कितना टाइम लगेगा? सरदेसाई जैसे ऑफिसर को प्लान समझने में कितना टाइम लगेगा? ये प्लान यहीं खत्म होता है। मुझे मौत गवारा है, लेकिन मुझे जेल में दम नहीं तोड़ना है। अर्जुन, सिकंदर को? सिकंदर को मैं समझा लूंगा। और नताशा, इस बार तुम इस प्लान में नहीं रहोगी। What the hell do you mean? तुम्हें क्या लगा 4 पल बिता लिया और हम पति पत्नी हो गए? मैं तुम्हारे आगे पीछे नाचूंगा? हम सबको एक बार फंसा लिया, बार बार मौका नहीं मिलेगा। तुम्हें बास्टर्ड बोलना भी औरत को गाली देना होगा अर्जुन। स्टिक्स एंड स्टोन्स स्वीटहार्ट, स्टिक्स एंड स्टोन्स, तुम्हें जो बोलना है बोलो, मेरा फैसला नहीं बदलेगा। मैं तुम्हें माफ नहीं करूंगी अर्जुन, कभी नहीं। नताशा, बकरे की कहानी कभी मत भूलना। अगर हर सेकंड एक बकरा पैदा होता है तो 2 और उसको हलाल करने के लिए पैदा होते हैं। आदमी को एक बात हमेशा याद रखनी चाहिए, इस दुनिया में कोई किसी का नहीं है। गुड बाय स्वीटहार्ट। यू आर अ डेड मैन अर्जुन, आई एम गोइंग टू किल यू। Kill me. यार दिमाग खराब हो गया, क्या कर रहे तू? दिमाग खराब नहीं दोस्त, उस लड़की पर भरोसा नहीं है। अब उसका 2% हमारे हिस्से को बढ़ाकर 2.5% बना देगा। ओ तेरी, वही मुझे लगा कि सिकंदर के साथ पंगा। अर्जुन यार तू तो कमाल का कमीना है। Thank you. ये बहकी चाल, ये जानलेवा अदा, कहीं किसी को मार ना डाले। आप तो बहुत ही जिंदा दिल इंसान है मिस्टर खान। हसीना, कहा जाता है कि जिंदा दिलों की है यहां जिंदगी, मुर्दा दिल खाक जिया करते हैं। तो तुम अपने दिल के जख्मों का हिसाब चुकता करने आई हो पर ये आपको कैसे पता चला? हसीना, ये तुम्हारे चेहरे पे लिखा हुआ है। तो तुम एक खिलाड़ी को जानती हो जो मेरे बैंक में 25 करोड़ रुपए का फ्रॉड करना चाहता है? हा? जी, मैं उस आदमी का नाम और पता आपको उस दिन बताऊंगी जिस दिन वो पैसे निकालेगा। लेकिन इसके बदले में मुझे क्या मिलेगा? कहा जाता है कि नए फकीर को हमेशा भीख की जल्दी होती है,
पहले हमारा काम हो जाए फिर हमारा दिल देखना। मेक श्योर के खबर गलत ना हो। हसीना, मैं चाहूंगा कि तुम्हारा हुस्न और खूबसूरती हमेशा के लिए बरकरार रहे। सुल्तान, हम देखना चाहते हैं कि कौन है जो हमसे टक्कर लेने की कोशिश कर रहा है। तुम इस लड़की के साथ साय की तरह रहना। जी सर। माँ बाप सिखाना भूल गए थे कि लालच बुरी बला है। मैंने अपना एक और चक्कर चलाया। सिकंदर और कैफ को बिना बताए प्लान की डेट 2 दिन पहले रख दी और मेरे बजाय भाटिया बैंकॉक गया। हाँ अर्जुन, बैंकॉक पहुंच गए। ठीक है, तू निकल, बैंक में सब तैयार होगा। ओके। हेलो, विजय बोल रहा हूँ। पैसे का ट्रांसफर शुरू कर दो। और मेरा कट? डोंट वरी जय, पैसे का ट्रांसफर खत्म होने पर तुम्हारा कट तुम्हारे बैंक में होगा। ओके, डन, बाय। अर्जुन, ऑल क्लियर फ्रॉम माय साइड, गुड लक। ओके। हाय। योर चेक सर। थैंक यू। थैंक यू। थैंक यू वेरी मच। अर्जुन, सारे पैसे मेरे ब्लैक नेक की बैग में है। बहुत भारी है। बोरिंग अनाउंस हो गई है। कॉन्ग्रेट्स। जब तक सारे पैसे हाथ में नहीं आते कुछ मत बोल भाटिया, नजर लग सकती है। नजर का तो पता नहीं लेकिन मुझे इस वक्त बहुत जोर से लगी यार। प्लेन में जाके कर लेना। क्या प्लेन में? क्या साइज देखा तूने मेरा? अगर नन्ही सी जान प्लेन में फंस गई तो किसको क्या मैं दिखाऊंगा यार मैं। अच्छा सुन, मेरी बोर्डिंग अनाउंस हो गई। ऑल द बेस्ट। बाय। जैक तो एयरपोर्ट लेने का, भाटिया को लेने जाना है। सो अर्जुन, 2 दिन बाद हम सब करोड़पति। हम सब तुम्हारा मतलब सिकंदर? हाँ यार, लेकिन एक पल के लिए तो सारा पैसा हमारे हाथ में होगा। पैसा तो जिंदगी भर के लिए हमारे हाथ हो सकता है, पर सिकंदर, सिकंदर। लेट्स गेट अ ड्रिंक। कैफ, तूने कभी सोचा है जैक भाटिया, तू, मैं और 25 करोड़, एक का हिस्सा 6.25 करोड़, इतने पैसों में अपनी नकली पासपोर्ट के साथ दुनिया के किसी भी कोने में जिंदगी भर ऐश कर सकते हैं। तू मजाक कर रहा है? और क्या, तूने क्या सोचा मैं सीरियस हूँ? नहीं, नहीं। मुझे मालूम था तू मजाक कर रहा है। एक बात पूछूं? पूछना यार। अगर मैं मजाक नहीं कर रहा था तो क्या बोलता? यार वो बात नहीं है, मतलब 6.25 करोड़। तू सिकंदर से डरता है? मैं सिकंदर से नहीं डरता दोस्त, मौत से डरता हूं।
अर्जुन, लाइफ में बहुत कुछ करने का है मुझे, डरना नहीं है यार। अगर तू बिना मरे करोड़पति बनता तो मजाक कर रहा है। ऑफ कोर्स यार, बट तू एक मिनट के लिए सोच, मजाक मजाक में, ये सारे पैसे तेरे पास, तेरे स्टॉक मार्केट पोर्टफोलियो में माइक्रोसॉफ्ट, रिलायंस, इंफोसिस, जनरल मोटर्स, ऑयल कंपनीज के स्टॉक्स, राइट? एक मिनट, एक मिनट, कहना क्या चाह रहा है? तू जानता है मैं क्या कहना चाह रहा हूं। तू मजाक नहीं कर, मेरे पास एक प्लान है। आर यू इन और आउट? सिकंदर, मैं इन हूं यार, इन हूं मैं। क्या प्लान है बोल? आज रात 10 बजे बैंकॉक की फ्लाइट से मेरा आदमी आ रहा है, उसके हाथ में एक बड़ा काले रंग का नाइकी बैग होगा, उसे पिकअप करके जुहू आ जाना, वहां पैसे बांट लेंगे, उसे कुछ नहीं होना चाहिए। ओके बॉस, गुड वर्क बॉयज। इंस्पेक्टर शर्मा, अपनी फोर्स लेके एयरपोर्ट पहुंच जाओ, आज एक बहुत बड़ी मछली फंसने वाली है। वन मोर? या, नीड वन। ये भाटिया भी अजीब इंसान है, 25 करोड़ का बैग लेकर वो पब्लिक एयरपोर्ट टॉयलेट जाएगा, क्योंकि बंदे को क्लॉस्ट्रोफोबिया है। I just don't understand. भाटिया, भाटिया। एक बात पूछूं अर्जुन? बोल। तुझे क्या लगता है, सिकंदर और मैं तुझ जैसे आदमी पे भरोसा करेंगे? हाथ को बार पे रखना, वरना खोपड़ी चलनी कर दूंगा। सो सिकंदर, प्लान काम में है क्या दोस्त? बंदर पलटी मार गया है, सारा माल जो है बैंकॉक से आ रहा है 10 बजे की फ्लाइट से, एक आदमी है ब्लैक नाइकी बैग लेके आएगा, और आते ही कस्टम्स पास करते ही टॉयलेट जाएगा, पकड़ लेना साले। मैं खुद एयरपोर्ट जा रहा हूँ, एंड नाउ लिसन, मैं जानता हूँ तुझे बहुत गुस्सा आता है, लेकिन जब तक जहांगीर खान के पैसे मेरे हाथ में नहीं आ जाते, तुम कुछ नहीं करोगे। जस्ट दे दे। क्यों अर्जुन, तुझे क्या लगा सिकंदर ने जो थप्पड़ मारे थे वो असली थे? क्या है ना दोस्त, थोड़ी बहुत एक्टिंग हम भी कर लेते हैं। ए बारटेंडर, सारे छमियालों को यहां से निकल जा, चल आउट। लेट्स गो। वो तेरा दोस्त है ना, क्या नाम था उसका यार, रोहित? सुअर की तरह चिल्ला रहा था जब मैंने उसे नीचे ढकेला। रोहित बिलक बिलक के जान की भीख मांग रहा था बेचारा। आदमी फ्लाइट से निकलकर सीधा टॉयलेट में जाएगा, उसके हाथ में काला नाइकी का ब्रीफकेस होगा, वो बैग ये सर। शर्मा डिसूजा, तुमने बाहर ही रुको एज अ बैकअप, वो आदमी बॉम्बे एयरपोर्ट पहुंच चुका है बैग लेके।
हेलो सर। हाय। इसको छोड़ दे बॉस। एक मिनट। ए यार, इसको कहाँ लेके जा रहे हो यार? डैमिट, ओए। एक गोरा काला रंग का नाइकी बैग लेके बाहर निकला। ऑल यूनिट्स गेट रेडी। अच्छा हो गया तुम आ गई। ये दोस्त है ना अपना, डबल क्रॉस करने वाला था मिस्टर अर्जुन। वैसे तुम ये बंदूक के साथ पटाखा लग रही हो। गिव मी द गन, कम ऑन कम ऑन, गिव मी द गन। यू आर अंडर अरेस्ट, मतलब गिरफ्तार। दिखाओ बैग में क्या है। अरे सिकंदर साहब, मैं पहचान लेता हूँ। अरे ये सिकंदर साहब। अरे पुलिस आ गई। दरअसल अरे क्या कर रहे आप? अरे क्या कर रहे हो भाई? हम पुलिस वाले हैं। ये कैब देखो, ये बेल्ट देखो, शूट जानता हूँ। क्या प्रॉब्लम है ऑफिसर? मेरा कुछ कैश आया है। कैश आया है? इंस्पेक्टर बैग चेक करो इनका। इसमें तो कोकेन है। एक सेकेंड, ये कोकेन यहाँ लाना। मुझे डर इस बात का नहीं है कि मैं कहां जा रहा हूं, डर इस बात का है कि जब मैं बाहर आऊंगा तब क्या होगा। चलिए। पैसे कहां हैं? सारा प्लान फ्लॉप हो चुका था। सरदेसाई हम सबको चकमा देकर निकल गया था, पर यह बात मैं सुल्तान और नताशा को कैसे समझाता? मेरी जिंदगी बचाने के लिए थैंक यू बोलना भूल ही गया था। थैंक यू। ऐसे कहाँ है? पुलिस के पास सारा माल पकड़ा गया। पर उनको तो सिकंदर के पास कोकीन मिली थी। हाँ, क्योंकि सीबीआई इंस्पेक्टर सरदेसाई ने पहले से ही सारा माल पकड़ लिया था।
The game is over. कुछ बचा नहीं. बहुत हो गया अर्जुन, बहुत हो गया. मैं दस्ता गिनूंगा. झूठ, हमेशा झूठ. तुम जैसे इंसान का जीने का कोई हक नहीं, कोई हक नहीं. मैंने कहा था ना, चार, आई किल यू. पांच, छह, शूट मी. बोलो सुल्तान. सर, सर नताशा ने लड़के को मार डाला. क्या? और पैसा? सर सारा माल पुलिस के पास है. सीबीआई इंस्पेक्टर सरदेसाई ने सारा माल जब्त कर लिया. तुम सारे सबूत खत्म कर दो. और लड़की? उसे मुझ पर छोड़ दो. तुम यहां से फौरन निकल जाओ. हमको कभी कांटेक्ट मत करना. अर्जुन, अर्जुन, सब चले गए. Come on, get up, buddy. हाथ तो दे, बहुत मार खाई है. चला जा मेरे यार. जैसा कि मैंने कहा था, एक पुलिस वाले को जेब में रखना हमेशा फायदे का सौदा होता है. विजय कपूर, पूना क्राइम ब्रांच. हैवी? बहुत है. बाय. अर्जुन. क्या? तेरी अमानत. अब मुझे इसकी कोई जरूरत नहीं. खुदा हाफिज. खुदा हाफिज. इस सब की शुरुआत रोहित की मौत से हुई. रोहित मेरे लिए भाई से बढ़कर था और नताशा रोहित की बहन और मेरी होने वाली पत्नी. शादी के बाद हम दोनों यूएस में बस जाएंगे, तुझसे दूर. क्या? मैंने जो पैसे बचाए हैं उससे कोई छोटा मोटा बिजनेस खोल लूंगा यार. लेकिन अपनी बहन को इस जिंदगी के साए से भी दूर रखना चाहता हूँ. और बेटा मेरी बात मान, तू भी सुधर जा, क्योंकि जब शादी के बाद डंडे पड़ेंगे ना तो रोता हुआ मेरे पास मत आना. काश मैंने रोहित की बात सुनी होती तो ये सब होता ही नहीं. मुझे सुबह तुम लोगों ने घोटाला किया था ना बैंक में 3 लाख रुपए का, वो अकाउंटेंट मालूम है किसका आदमी था? सिकंदर का. खत्म कर दो उन लड़कों को. रोहित, हम रोहित की मौत का बदला लेंगे. अर्जुन, सिकंदर के लिए मैं अकेला काफी नहीं था. मैंने अपनी फौज बनाई. नताशा, भाटिया, जैक, सनी दस्तूर, जी सिंह और पटेल. आखिरकार सिकंदर ने मुझे ढूंढ लिया. 10 दिन के अंदर अंदर तुम मुझे 4 लाख रुपए ला कर दोगे. सिकंदर ने मुझ पर नजर रखने के लिए कैफ को भेजा, पर वो ये नहीं जानता था कि हम उसको फंसाने का प्लान पहले ही बना चुके थे. कैफ के लिए निशाना हमेशा नताशा थी, पर असलियत में 3 लाख और 1 लाख इंटरेस्ट. कैफ और सिकंदर हमारे बनाए हुए दलदल में धीरे धीरे फंसते गए, पर उन्हें कभी पता नहीं चला कि आगे क्या होने वाला है. अगर आप उससे 25 दिन में 25 करोड़ मांगते तो ये वो भी ला सकता था. मैं जानता था कि सिकंदर की सिर्फ एक ही कमजोरी है, जहांगीर खान.
जहांगीर खान ने सही कहा था, हर इंसान के ईमान की कीमत होती है। और आगे का प्लान तो आप जानते ही हैं, पैसा हमारे पास, कोकेन सिकंदर के पास और कैफ, ये सब तो ठीक है, पर आपको क्या लगता है इस सब के बाद जहांगीर खान मुझे जिंदा छोड़ता? इसलिए मैं ही मर गया। नताशा वो इस प्लान का हिस्सा थी ही नहीं, और सरदेसाई सारी दुनिया सीबीआई इंस्पेक्टर सरदेसाई को ढूंढते ढूंढते पागल हो जाएगी। ए भाटिया, हाँ। कैफ को चिढ़ाने के लिए क्या क्या बोलता था? यही के जिस दिन जैक की आवाज कैफ सुनेगा उस दिन उसकी भी बोलती बंद और सीटी शुरू हो जाएगी। हमें अर्जुन का पता चल गया है, वो और उसके दोस्त चार्टर फ्लाइट से बैंकॉक जा रहे हैं। हमने उनकी फ्लाइट में बॉम्ब रख दिया है, ये रहा बॉम्ब का रिमोट। बच्चे, अगर तू खिलाड़ी है तो मैं भी तेरा बाप हूं, छोड़ दिया जाए या मार दिया जाए।